इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ना एक फार्मर का थॉट रखना होगा कि किस तरीके से या फिर कोई भी पर्सन जो एग्रीकल्चर करता है वैसा थॉट रखना होगा आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है

इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो स्टार्ट करें आपका चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ना एक फार्मर का थॉट रखना होगा कि किस तरीके से या फिर कोई भी पर्सन जो एग्रीकल्चर करता है वैसा थॉट रखना होगा कि भाई एग्रीकल्चर करते टाइम आपका किस तरीके से दिमाग काम करना चाहिए किस तरीके से आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है, तो है, तो है, है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं आपको बीच में कराने वाली हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए अब सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नाम से समझो ना पहले यानी कि जिस चीज़ से हमें फूड मिल रहा है चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो या तो प्लांट प्रोडक्ट हो एनिमल प्रोडक्ट हो हम उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम बड़ा कैसे सकते हैं उसको जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हमें मिलते हैं सब्जियाँ बहुत सारे फ्रूट्स बहुत सारी ऑयल की वैरायटी हमें मार्केट में मिलती है बहुत सारी दालें हमें मार्केट में मिलती है सो वो सारे के सारे फूड ही हैं कहीं से आ रहे होंगे उनका कोई सोर्स रहा होगा तो हमें वहां से शुरुआत करनी है बेटा इसको चैप्टर को पढ़ने के लिए और सिर्फ इतना ही नहीं सिर्फ हम सब्जियों की बात नहीं करेंगे फूलों की बात नहीं करेंगे हम सिर्फ फ्रूट्स की बात नहीं करेंगे ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिश एक्वेटिक जो भी हम फूड ले रहे हैं जो भी हम सी फूड खाते हैं उनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती है देन इन द एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हनी ऑल्सो तो ये चैप्टर ना वैसे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है पहले बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स के बारे में क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में उसके बारे में बेटा हम डिस्कस उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स uh, के बारे में तो एनिमल से क्या क्या प्रोडक्ट है? मिलते हैं जैसे हमें एग्स मिलते हैं बर्ड से हमें उनका चिकन हमें उनका मीट मिलता है एंड उसके बाद हम बात करेंगे हनी की फिश की बात करेंगे जब हम क्रॉप के सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें तीन पार्ट्स हैं सबसे पहले तो क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है कि वैरायटी अच्छी होगी तभी तो हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी होगी उसके बाद हमें प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज करना है कि हमें थोड़ी सी जगह पर ही बहुत लार्ज नंबर के क्रॉप्स मिल जाए बोला था ना फार्मर की तरह सोचना है और फिर उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है क्योंकि जैसे ही क्रॉप ग्रो कर जाएंगी उसके बाद सीधा मार्केट में सारी यूज तो नहीं हो जाती हम उसको बचा के रखते हैं प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारे इंसेक्ट्स बहुत सारे फंगस बैक्टीरिया उसको खराब करने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये सब आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है तो एक आइडिया लग गया होगा ना कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है ये कुछ टॉपिक्स है सबसे पहले आप बात करोगे क्रॉप्स की कौन से सीजन में कौन कौन से तरीके के क्रॉप्स आते हैं करेंगे, करेंगे, फिर protection कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे. Then बात करनी है एनिमल हस्बेंड्री की इसमें कैटल फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग भी आएगा एप्रीकल्चर भी आएगा लास्ट टॉपिक हो गया आपका फिशरी एंड बी कीपिंग सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर हमें करने हैं समझ आया सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और इंट्रोडक्शन लेना है कैन यू गिव इट अ गुड रीडिंग ये जो आपको यहाँ पर पेज दिख रहा है कि आप इसको अच्छे से रीड कर पा रहे हो सबसे पहले देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी हुई है हमारे इंडिया में 68 परसेंट जो लोग हैं उनका प्रोफेशन एग्रीकल्चर है उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर करना है सिक्सटी लोग सोचो द साइंस ऑफ फार्मिंग फार्मिंग करनी है दैट इंक्लूड्स कल्टिवेशन ऑफ सॉइल आपको लग रहा था कि एग्रीकल्चर का मतलब है सिर्फ फ्रूट से लेकर या फिर सिर्फ वेजिटेबल्स से ही हमें आ, जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर तो दैट इज रॉन्ग एग्रीकल्चर का मतलब है हर तरीके के क्रॉप्स हर तरीके के प्लांट्स एंड साथ ही साथ एनिमल से भी अगर हम कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एनिमल का यूज होंगे ना उसमें अगर हम एनिमल एनिमल से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं को डोमेस्टिकेट करना होगा उसका ध्यान रखना होगा उसको खाना देना होगा उसकी केयर करनी होगी तब हम उनसे उनके प्रोडक्ट्स ले पाएंगे ये सारा प्रोसेस एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का कि एग्रीकल्चर की राइट डेफिनेशन क्या है सो इट इज एक्चुअली द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप्स क्रॉप्स तो ग्रो करने ही करने साथ ही साथ एनिमल्स को एनिमल्स को जब हम केयर करते हैं एनिमल के प्रोडक्ट्स के लिए तो वो सारा प्रोसेस रियरिंग कहलाता है रियरिंग ऑफ एनिमल्स जैसे मान लो हमें मार्केट में मिल्क सेल करना है ठीक है हमने अपनी एक मिल्क मिल्क की कंपनी बनाई है है और मार्केट में हमें बेचना है. तो हम पहले काउस और को लेकर आएंगे उनको एक शेल्टर में रखेंगे उनकी केयर करेंगे उनकी क्लीनिंग करेंगे फिर उनको उनकी देखो हमें मिल्क की वैरायटी को भी अच्छा रखना है ना तो हमें पहले उनकी केयर करनी होगी फिर मिल्क की वैरायटी को करने के लिए हम अलग अलग तरीके की क्रॉस ब्रीडिंग पर ध्यान देंगे उनको बीमारियों से बचाएंगे एंड उसके बाद जो मिल्क होगा देन वो मार्केट में जाएगा है ना सो दैट इज नोन एज रियरिंग रियरिंग ऑफ ऑफ मिल्क एनिमल्स जो पूरा प्रोसेस था ताकि हमें फूड मिल सके वूल का भी अगर हम मार्केट में वूल की बात करें तो वूल हमें किससे मिलता है शीप से मिलता है याक से मिलता है तो वो वाले एनिमल्स को रियरिंग करना भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है आगे बढ़ते हैं देन इज इंडिया के कुछ फैक्ट्स इंडिया इज नोन फॉर एग्रीकल्चर इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क क्योंकि हमारे पास काउस और बफेलूस की काफी सारी वेरायटी है तो हम मिल्क uh, प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है पल्सिस में भी दालें स्पाइसिस मसाले इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस इंडिया जो है अलग अलग मसालों के लिए फेमस है एंड सैरल्स मेज एंड अलग अलग तरीके के सैरल्स जो हम दिखाते हैं ठीक है इंडिया हेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल हर्ड यानी कि बफेलोस और काउस हमारे पास बहुत सारे हैं तभी तो हम मिल्क में नंबर वन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बन गए एज वेल एज द लार्जेस्ट एरिया अंडर वीट राइस एंड कॉटन जवार ऑल्सो हम वीट राइस और कॉटन को भी लार्ज अमाउंट में मार्केट में सेल कर रहे हैं द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाय मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बट बेटा एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें किस तरीके का एग्रीकल्चर करना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो भी हमने पूरा एग्रीकल्चर करा है उसमें हम एनवायरमेंट को डिग्रेड ना होने दें और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ग्रो करने के लिए कल्चर करने के लिए बल एग्रीकल्चर जितनी हेल्थी कंडीशन में हमें अर्थ इनहेरिट हुई है हमारे पूर्वजों से हमारे एनसेस्टर से तो आने वाली जनरेशन को भी उतनी ही अच्छी कंडीशन में अर्थ पास ऑन हो दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी बट ऐसा सच में हो रहा है क्या सोचने वाली बात है ऐसा सच में नहीं हो रहा वी है पूछी जा सकती है वन मार्क का क्वेश्चन इसमें आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं देखो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था 1947 के, तीन साल 1950s में, स्टार्ट हो गया था। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, का मतलब क्या होता है? में तुम पढ़ते हो ना क्रांति तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है देर वर साइंटिस्ट हु ऑन क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्रॉप की वेराइटी को कैसे बढ़ाया जाए उस चीज पर साइंटिस्ट काम कर रहे थे कैसे बढ़ाया जा है? सीज्ञे, सीज्ञे तो बढ़ See, तो uh, सकता है क्रॉप की वैरायटी आजकल बहुत अच्छे अच्छे सीड्स है किसके लिए रेवोल्यूशन आया है फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है फूड ग्रेन्स की बात हो रही है यानी कि क्रॉप्स वगैरह से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो दैट कम्स अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन अब इसमें हुआ क्या था एच वाईवी सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था एच मतलब हाई वाई मतलब यील्ड, यानी कि प्रोडक्शन वी मतलब वेराइटी हाई यील्ड ही वाले सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था फार्मर्स को बताया गया था कि भाई आपके पास आप इन सीड्स को यूज करो इनसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा वेराइटी भी अच्छी होगी तो ऐसे सीड्स को हाई ही वेराइटी सीड्स बोला जाता है देन गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जिन बच्चों को नहीं पता लेट मी टेल यू सबसे पहले ना एक एक एम्प्टी पेज लेते हैं सबसे पहले क्या होता है सॉइल को तैयार किया जाता है सबसे पहले सॉइल को रेडी किया जाता है ग्रो करने के लिए तो मान लो ये हमारी क्रॉप फील्ड है हम फार्मर है यहाँ पर एक मेहनती फार्मर है ठीक है चलो आप ये सबसे पहले क्या करेगा सॉइल को प्रिपेयर करेगा Soil कैसे की जाती है सॉइल के अंदर बहुत सारे पहले तो सॉइल को काफी ज्यादा लूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टिलिंग ऑफ सॉइल सॉइल को जब लूज किया जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज टिलिंग ऑफ तो सबसे पहले यही किया जाएगा टिलिंग ऑफ सॉइल सॉइल लूज होगी तभी उसके अंदर सारे न्यूट्रिय अच्छे से हो पाएंगे तभी सीड्स अलग अलग अच्छे से गैप पर अलग डेप्थ पर प्लेस किए जा सकते हैं तो सॉयल को तैयार करना है ना पहले टिलिंग ऑफ सॉइल उसके बाद बेटा इसके अंदर ना सीड्स डाले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड्स तो फार्मर फिर क्या करेगा फील्ड के अंदर सीड्स डाल देगा देन कम्स इरीगेशन इरीगेशन से पहले हम एक और स्टेप डाल देते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मैन्योर क्या होती है हिंदी में हम बोलते हैं खाद एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं देखो क्या होता है ना कि हम एक तरीके से नेचुरल तरीके से काम करना चाहते हैं हमने अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ा तो फार्मर चाहेगा कि भाई मैं केमिकल्स पर क्यों डिपेंड करूं मुझे नॉर्मल बेसिक ओरिजिनल ऑर्गेनिक खाद बनानी है तो उसको बोलते हैं खाद इज मैन्य बनाया जाता है बहुत सारे तरीके हम पढ़ेंगे इसमें इसके अंदर सारे नेचुरल चीजें यूज की जाती है जैसे हमारे घरों का वेस्ट हमारे किचन का वेस्ट पुराने डेड प्लांट्स पुराने एनिमल्स तो इनके जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है ना वो सॉयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे दैट इज मैन्योर फर्टिलाइजर्स उल्टे होते हैं काम तो यही है कि न्यूट्रिशन ऐड करना है सॉइल के अंदर बट फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स मार्केट में नहीं ये आपको फैक्ट्रीज में मिलेंगे फैक्ट्रीज में बनते हैं आपको मार्केट से इनको खरीदना है उसके बाद आपको डालना है अपनी सॉइल के अंदर तो इसका भी अलग फायदा है इसका भी अलग फायदा है ठीक है देन वी एड वाटर दैट इज नोन एज इरीगेशन पानी डाला जाएगा ठीक है उसके बाद पेस्टिसाइड डाले जाते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स बेटा वो केमिकल्स हैं जो कि मच्छर टिड्डे रोडेंट्स इनके अटैक से क्रॉप को बचाने वाला है तो पेस्टिसाइड्स डाले जाएंगे दवाइयों का छिड़काव किया जाता है इन्हीं की वजह से बोला जाता है कि घर में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रहे हैं उनको अच्छे से वॉश करके खाओ क्योंकि उनके ऊपर जब वो ग्रो कर रहे होंगे तो फार्मर्स ने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले होंगे देन लास्ट में पेस्टिसाइड्स डाल दिए उनको छोड़ दो फिर जब वो पक जाएंगे तो हार्वेस्टिंग कर लेंगे ग्रो कर गए हैं अब आप उनको हार्वेस्ट कर लो यानी कि कटाई सिंपल देन लास्ट में आ जाता है स्टोरेज अब आपने कट तो कर लिया बट जो आपने ग्रेन्स निकाले हैं ग्रो, ग्रो करे हैं जो ग्रेन्स उनको कहीं स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा सो दैट कम्स अंडर स्टोरेज तो एक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या एक फार्मर को करना पड़ता है अपनी फील्ड को आ, ग्रो करने के लिए फील्ड के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अब आप इस लाइन को देखो गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स तो फर्टिलाइजर्स अच्छी हो सके यूज करने हैं वो भी ग्रीन रेवल्यूशन के अंदर आएगा अब इसके बाद इसका जो ग्रीन रेवल्यूशन का क्रेडिट है वो दो साइंटिस्ट को दिया गया नाइनटीन सिक्सटी एट में नॉर्मैन वो लॉक ब्रॉड इंट्रोड्यूस हाई एल वेराइटी ऑफ वीट इन इंडिया तो इंडिया में

पनीर है ना तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए हमें एनिमल्स को रियर करना पड़ेगा उसके लिए हमें एनिमल की केयर पर ध्यान देना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे मिल्क प्रोडक्शन एक तो ज्यादा हो सके और अच्छी वेराइटी की हो सके मिल्क किस लिए यूज किया जाता है मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है तो आप अगर एक ग्लास मिल्क पी रहे हो तो आप चाहोगे ना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हो कि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो इसी को वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं कि वैरायटी पर काम किया गया प्रोडक्शन पर काम किया गया इट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 1979 बेटा इन दिस न्यू मेथड फॉर एनिमल हस्बैंड्री वाज अडॉप्टेड इसके अंदर हमें एनिमल्स को कैसे रियर करना है इसकी नई टेक्नोलॉजी थोड़े से एडवांस थोड़े से बेटर टेक्निक्स आ गई थी एंड चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ कैटल फील्ड अब देखो आप चाहते हो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो कैटल जो है काउज और बफेलो वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क दे तो आपको पहले उनको अच्छा खाना देना होगा तब जाकर उनका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा तो इस चीज पर काम किया गया कि कैटल को क्या न्यूट्रिशन देना है ताकि हमारे मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो सके फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज डॉक्टर वर्गीसी डॉक्टर वर्गीसी इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन नेक्स्ट कम्स ब्लू रेवोल्यूशन तो ब्लू जब आप पानी को कलर करते हो तो ब्लू कलर लेते हो ना ब्लू पेंट लेते हो ना तो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू रेवल्यूशन स्पीशीज ठीक है और एकटिक्स हमारे दिमाग में क्या आता है मोस्टली फिश तो फिश आपको पानी में मिलती है फिश की प्रोडक्शन फिश की वेराइटी हमारे साउथ में एक स्टेपल फूड है फिश यानी कि रोज खाई जाती है है ना तो इसी को नील और नीली क्रांति मिशन भी बोला जाता है इसमें फिश की वेराइटी और फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा सो इट इज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिशेज बट बहुत सारे तरीके का सी फूड होता है तो सिर्फ हम फिश की बात नहीं करेंगे बेटा बहुत सारे प्लांट्स और बाकी जो एनिमल्स हैं, जिनको खाया जाता है जो पानी में मिलते हैं उनकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें दैट ऑल्सो कम्स अंडर ब्लू रेवोल्यूशन ठीक है

ऑब्वियसली ऑयल है ना ऑयल की बात करेंगे हम यहाँ पर ये 1986 में आई थी जिसमें ऑयल कहाँ से आता है बेसिकली सीड्स होते हैं क्रॉप के उनको पीस कर उनसे ऑयल बनाया जाता है जैसे कि मस्टर्ड सीड्स होते हैं मस्टर्ड आप सीड्स खाते भी हो और उससे ऑयल भी बनता है मस्टर्ड है सरसों जो तुमने मूवी देखी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें जो आपको पूरे येलो कलर के खेत दिख रहे हैं वो मस्टर्ड सीड्स है मस्टर्ड के खेत है बेसिकली उससे मस्टर्ड सीड्स भी बनेंगे और वहां से ऑयल भी बनाया जाएगा सरसों का तेल एंड सरसों के बीज सेसमे सीड्स तिल के तेल जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडनट मूफली सनफ्लावर एंड कैस्टर ये सारे के सारे बेटा दीज ऑल आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स एंड ये कहाँ आते हैं येलो रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं नाउ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी हमारे पास तभी ये सारी की सारी रेवोल्यूशन को हम अडेप्ट कर पाए और फार्मर्स तक पहुंचा पाए इंडिया में सैम पिट्रोडा इज नोन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन तो ये आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम थोड़े बहुत याद करने होंगे कि अगर इनमें क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर सको सिल्वर रेवोल्यूशन सिल्वर से क्या आता है हम हमारे दिमाग में सिल्वर तो हम नहीं सोच पा रहे सिल्वर इज रिलेटेड टू एग एग प्रोडक्शन की बात हो रही है बेटा एग प्रोडक्शन की बात हो रही है के केस में इट इज एसोसिएटेड विद पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री मतलब related to bird. और bird से हमें क्या मिलता है Eggs मिलते तो पोल्ट्री फार्मिंग की जब हम बात करें दैट इज अ पार्ट ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन 1969 से 1978 का जो टाइम था उसमें हम उसको हम बोलते हैं कि silver revolution का था इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इंडिया थर्ड लार्जेस्ट नंबर पर आ गया था एग प्रोडक्शन में इस रेवोल्यूशन के बाद एंड आफ्टर चाइना ओके हाइब्रिड कॉक्स एंड हेंस वर यूज टू प्रमोट एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन गांधी इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया नाउ व्हाट इज दिस द हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि देखो हम ना जब हमें अच्छी प्रोडक्शन करनी है तो हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अभी अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बट अगर का मतलब जानना है तो आप दो अलग अलग बेस्ट का आपस में क्रॉस करा दो एक मेल एक फीमेल तो जो नई वेराइटी बनेगी उसके अंदर दोनों के फीचर्स होंगे दोनों के बेस्ट कैरेक्टर्स होंगे तो आपने वेराइटी को इम्प्रूव किया हाइब्रिड बनाकर हाइब्रिड क्रॉस कराकर यही होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन यहाँ पर सबसे पहले हमें विंटर में सो करने है मतलब जब सर्दियां अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली है ना तो अब आपको इनको सो करना है सो का मतलब पता है ना सोइंग ऑफ सीड्स बीज का बोना दैट इज नोन एज सोइंग सो आप अभी इनको आप बीज डाल दोगे पहले सॉयल तैयार करोगे फिर उस फील्ड के अंदर बीज डाल दोगे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल तभी तो हम इनको विंटर्स में ग्रो कर रहे हैं मानसून के बाद आता है विंटर तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि ये रेनफॉल पर डिपेंड नहीं कर रहे यानी कि इनको कम पानी चाहिए इरीगेशन इज द मेन फैक्टर अपॉन विच देआर प्रॉपर ग्रोथ डिपेंड्स अब इरीगेशन यानी कि फील्ड के अंदर पानी डालना इससे पहले जो मैं आपको बता रही थी यानी कि मानसून के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहे बट कितना पानी रिक्वायरमेंट इनके लिए है वो आपको देखना होगा ताकि इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम मार्च टू अप्रैल यानी कि आप देखो ना छ सात महीने इनको लगेंगे ग्रो करने के लिए मार्च और अप्रैल में हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे एग्जाम्पल्स वीट बार्ले ओट पीज पोटैटो टोमैटो बीट कैबेज एल्फा एल्फा गार्लिक अनियन क्यूमिन क्यूमिन क्या होता है जीरा डर द कैटेगरी ऑफ राबी क्रॉप्स ये सारे के सारे राबी क्रॉप्स नेक्स्ट इज खफ क्रॉप मानसून की बिगनिंग में ग्रो किए जाते हैं इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए ये मानसून पर डिपेंड करते हैं रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं क्यों डिपेंड करते हैं क्योंकि इनकी ना वॉटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है एस कंपेयर टू राबी क्रॉप तो फार्मर इतना सारा पानी फील्ड में कैसे लाएगा वो मॉनसून पर ही डिपेंड करता है इनको ग्रो करने के लिए दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम सेप्टेंबर टू अक्टूबर पैडी फील्ड सॉरी पैडी पैडी मतलब राइस मेज बाजरा जवार सोयाबीन कैस्टर कॉटन शुगर केन एंड टर्मरिक सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं खारिफ क्रॉप्स के हैं ये सारे के सारे रेनफॉल डिपेंडेंट क्रॉप्स हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स पानी की ज्यादा होती है देन थर्ड कैटेगरी ऑल्सो देयर और और राबी के बीच बच्चों ने नहीं पड़ी होगी तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है खारिफ और राबी सीजन के बीच का जो टाइम रह गया ना उसको उसके अंदर जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे उसको जेड क्रॉप बोलते हैं एंड दीज क्रॉपली ग्रोड इन द समर सीजन तो समर क्रॉप भी बोल सकते हैं इसको इनको जाहिर सी बात है समर सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो इनको वार्म वेदर पसंद है ड्राई कंडीशंस में अपना काम चला लेते हैं एग्जांपल्स देखो वॉटर मेलन मास्क मेलन कोकुम्बर ये सारी गर्मियों की चीजें हैं गर्मियों में आते हैं सारे के सारे वेजिटेबल्स एंड फॉर्डर क्रॉप फॉर्डर क्रॉप इज बेसिकली द एनिमल फूड चारा बेसिकली जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं ना जिनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है उसको हम फॉर्डर क्रॉप बोल सकते हैं तो मेनली फॉर्डर क्रॉप एक एनिमल फूड के लिए बोला गया है नाउ टाइप्स ऑफ ऑफ ऑन द बेसिस यूटिलाइजेशन एंड अलग अलग टाइप के क्रॉप अभी तो हमने पढ़े सीजन के हिसाब से अब आपको अलग अलग ग्रुप्स पढ़ने हैं जैसे सैरल्स सेरल के अंदर वीट राइस मेज बाले मिलेट्स ओट्स ये सारे के सारे सेरल्स के अंदर आते हैं अब सेरे क्या न्यूट्रिशन देने वाला है हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद तुम अच्छे खासे एनर्जेटिक हो जाओगे तभी हम हमारी डाइट में रोटी जरूर लेते हैं राइस जरूर लेते हैं ताकि हमें क्या मिल सके बेटा एनर्जी मिल सके ठीक है सो दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स आगे देखो इसके अलावा पल्सेस पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो ये जो मसल बिल्डिंग है ना देखो एक तो एनर्जी के लिए सेम डायग्राम भी लगा लो मसल बिल्डिंग के लिए हमें नए नए चाहिए होते हैं एंड के अंदर होता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन अलग अलग दालें जो आप खाते हो मार्केट से मम्मी आपको दाल लाने के लिए बोलती होगी तो आप कंफ्यूज हो जाते होगे मम्मी येलो वाली लानी है ग्रीन वाली लानी है बट वो सारे बेटा एक ही ग्रुप के पार्ट है ग्राम ग्रीन ग्राम लेंटिल्स ये सारे के सारे प्रोटीन गिविंग uh, फूड है नेक्स्ट स्पाइसेस हम इतने सारे मसाले क्यों डालते हैं हमारे खाने में सिर्फ स्वाद के लिए सिर्फ टेस्ट के लिए इसके अलावा भी उसका कुछ काम है स्पाइसेस के अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं तो सी दे आर यूज टू एनहांस द एनहैंसिलिटी ऑफ फूड चिली टर्मरिक ब्लैक पेपर प्लेटिबिलिटी ऑफ फूड तो एक तो टेस्ट तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे साथ ही साथ इनके अंदर विटामिन और मिनरल होता है विटामिन और मिनरल अगर हमने एफिशिएंटली नहीं लिया विटामिन से भी ज्यादा बेटा इनके अंदर मिनरल्स होते हैं मिनरल रिच आइटम है स्पाइसेस तो मिनरल अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया तो हमें अलग-अलग तरीके की डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऐड स्पाइसेस इन द फूड आल्सो नेक्स्ट फॉरजर क्रॉप्स इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ग्रीन फॉरजर टू द कैटल व्हिच इंक्लूड्स सोरगम बरसीम ओट इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है सोरगम बरसीम और ओट ये एनिमल फूड है अभी मैंने आपको बताया था अब आप कहोगे तो हम भी खाते हैं तो बेटा हम भी तो एक टाइप के एनिमल ही है बट ओट्स आर रिच इन फाइबर्स ये फाइबर वाले फूड है बेसिकली अभी आप आगे जब एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन कैटल्स को बहुत सारा फाइबर चाहिए होता है यार ये फिगर हटा देंगे हमें से बहुत सारा फाइबर चाहिए होता है इनको ग्रो करने के लिए सो वो फाइबर इनको इन क्रॉप से मिल सकता है इसका नाम है फॉर्डर क्रॉप तो इनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होगा फाइबर के क्या क्या फायदे हैं? फाइबर एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है जैसे कि हम बहुत बार हम रोज खाना खा रहे हैं दिन में तीन तीन चार चार बार हम खाना खा रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ना कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में स्टिक कर जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन काफी स्टिकी है चिपचिपी है तो जब भी हम अगर हम टेस्ट कराएंगे तो इट विल बी फाउंड कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर बहुत पुराना खाना फंसा रहता है अब फाइबर एक तरीके से जैसे जंग लगी हुई मशीन को ऑयल अच्छे से स्मूद कर देता है ना काम करने के लिए सेम तरीके से फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है इसीलिए आपको बोला जाता है ओट्स खाओ उसके अंदर एनर्जी है इट इज फाइबर इच फूड है ना ऑयल सीड्स की बात करें अब ऑयल सीड्स आप पढ़ चुके हो सोयाबीन ग्राउंड नट्स एस सीड्स सोयाबीन का ऑयल मूंगफली का तेल तिल का तेल जो हम यूज करते हैं लड्डू बनाने के लिए खाना बनाने के लिए दे आर गुड सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स बेसिकली फैटी एसिड हमारे हमारे हार्ट को अच्छी कंडीशन में रखता है बट अगेन लिमिटेड अमाउंट में ही ऑयल लेना चाहिए जितना हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड है ज्यादा लेंगे तो अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है हमें नाउ टाइप्स ऑफ अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने काफी सारी वेराइटी पढ़ ली सेरल हमने पढ़ लिए देन वर लिये जैसे कि पल्सेस जो थे वो हमें प्रोटीन रिच फूड देते हैं देन वी टॉक अबाउट स्पाइसेस वी टॉक अबाउट फॉर्डर क्रॉप वी टॉक अबाउट ऑयल सीड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अगेन वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ एंड मिनरल्स इनको अगर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगे जैसे कि विटामिन सी अगर हम नहीं लेते हैं जो कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है स्कर्वी हो सकती है बेरी बेरी डिसीज हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग आंखें हमारी कमजोर हो सकती है अगर हम विटामिन ए नहीं ले रहे हैं हमारी बोन्स वीक हो सकती है अगर हम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी तो चलो अलग हो गया बट दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल इसके अलावा थोड़ा बहुत इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होता है सो इट इंक्लूड्स एप्पल मैंगो कॉलफ्लाबेज पोटेटो एक्सेट्रा बहुत लंबी लिस्ट बनेगी बेटा इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स होगा बट रिच अमाउंट में विटामिन मिनरल्स होते हैं तभी वो भी बोलती है सैलेड खाओ फ्रूट सैलेड खाओ वेजिटेबल सैलेड खाओ है ना पीछे पड़ी रहती है ना तुम्हारे इसीलिए नाउ वी आर going to talk about one important topic that is crop variety improvement. Crop variety improvement नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ना crop की variety को better बनाना है, हमें crop की variety को improve करना है. कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि देखो एक दो तरीके के farmer हैं. एक ये farmer है और ये farmer बड़ा खुश है ठीक है क्यों खुश है ये क्यों खराब ये क्यों सैड होगा ये क्यों खुश होगा फार्मर से भाई इसकी खेती इतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितने लैंड पर ये अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है पहली बात तो उतना अमाउंट इसको नहीं मिला कि ये मार्केट में अच्छे से सप्लाई कर सके ठीक है दूसरा रीजन हो सकता है इसकी क्रॉप खराब हो गई

जबकि ये वाला फार्मर बहुत खुश है क्योंकि अगर क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है या फिर रोज वेदर भी चेंज हो रहा है तो ये अच्छे से इसके जो क्रॉप्स है वो ग्रो कर पा रहे ये थोड़ी सी लैंड पर थोड़ी सी फसल ग्रो करते हैं बहुत लार्ज प्रोडक्शन हो जाता है तो ये खुश है इस वजह से एप्पल अगर ये ग्रो कर रहा है तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर बीठे बीठे एप्पल्स है उनके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी ज्यादा है तो बेटा इसने ऐसा क्या किया होगा जो इसकी इतनी सारी अच्छी प्रोडक्शन हो गई इसने क्रॉप की वैरायटी पर ध्यान दिया होगा अब हम बात करते हैं कि इस फार्मर को मान लो इसका नाम है डुगू या डुगू सिंह डुगू सिंह और इसका नाम है पुग्गू सिंह तो पुग्गू सिंह बहुत ही खुश है क्योंकि उसने और वैरायटी पर ध्यान दिया डुग्गु सिंह दुखी है डुग्गु सिंह को क्या करना चाहिए सबसे पहले डुग्गु सिंह को हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करनी चाहिए ना व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन जब हम दो अलग-अलग वैरायटी -अलग के बीच में क्रॉस करा दे दैट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर दो अलग-अलग स्पीशीज -अलग में भी क्रॉस करा दे ना दैट आल्सो टाइप दैट इज आल्सो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड दो जेनरा के बीच में क्रॉस करा दे दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ेंगे इसको एक बार इसको देखो ध्यान से क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट क्या मकसद होता है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट का डुगो को क्या क्या फॉलो करना चाहिए ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी वो क्रॉप्स जो है मौसम को झेल जाए सर्दी पड़ रही है तो भी झेल जाए ह्यूमिडिटी हो रही है तो भी इतना ज्यादा इफेक्ट हो उसकी क्रॉप के ऊपर दूसरा बायोटिक रेजिस्टेंस आसानी से खराब ना हो सके उसके क्रॉप्स अगर इंसेक्ट का अटैक हो रहा है इंसेक्ट का अटैक ना हो वो रेजिस्ट कर पाए ये सारी चीजों से शॉर्ट लाइफ साइकिल जल्दी से पक के तैयार हो जाए अडॉप्टेशन अडॉप्टेशन इज आल्सो रिलेटेड जो वेदर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से चेंज होते होते भी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाए देन स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्सिक्स ये क्या होता है देखो पुगु जो है वो सक्सेसफुल होता जा रहा है फार्मिंग में अच्छे अच्छे उसने वेरायटी इंप्रूवमेंट को यूज किया अब इसके साथ में ना इसने एक और बिजनेस स्टार्ट किया दैट इज कि ये चाहता है कि एनिमल हजबेंड्री भी करे मिल्क बेचना चाहता है ये मार्केट के अंदर तो इसने एक लैंड खरीदा वहां पर काव और बफेलो को लेकर आया और उनको आ, उनका मिल्क मार्केट में बेचना चाह रहा है ठीक है अब देखो इसके पास एक तरफ तो लैंड भी है जहां पर इसको क्रॉप्स ग्रो करनी है और दूसरी तरफ गाय भैंस वाला शेल्टर भी है उनको रोज खाना भी देना पड़ेगा तो ये क्या करेगा जो इसके पास लैंड है है ना? वहां पर ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कराना चाहेगा, कि क्रॉप की ना जो हाइट है जो स्टेम है वो ज्यादा लंबी हो मान लो ये वीट को ही ग्रो करा रहा है तो क्योंकि इसके पास एनिमल्स भी है जिनको इसको फीड करना है फीड करना है ना खाना देना है ना उनको ये खाना इसी क्रॉप से भी तो निकल सकता है तो ये चाहेगा कि इसके पास लब्मे -लब्मे हो कि को ये मार्केट में बेच सके और इसका दो फायदे हो गए वहीं पर डुगू सिंह के पास ऐसी कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं है उसको कोई मार्केट में आ, मिल्क नहीं सेंड बेचना उसके पास कोई एनिमल्स नहीं है तो वो चाहेगा कि उसके पास छोटी हाइट वाले प्लांट्स हो छोटी हाइट की स्टेम हो क्योंकि भाई जितनी बड़ी स्टेम होगी वो उतना न्यूट्रिशन भी तो लेगी सॉइल से तो ये लंबी स्टेम का क्या ही करेगा बेटा ग्रेन्स तो उतने ही उगने तो ये चाहेगा कि शॉर्ट हाइटेड स्टेम्स हो ताकि न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल के अंदर सेव्ड रहे और जितने अच्छे ग्रेन्स बन रहे वो मार्केट में बेच सके अब इसका अलग डिजायर है इसका अलग डिजायर है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है यहां पर मैं यहां लिख रही हूं स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझ आया कि भाई कोई फार्मर की अलग रिक्वायरमेंट है दूसरे फार्मर की अलग रिक्वायरमेंट है जैसे एप्पल अगर बेचने हैं मार्केट में छोटे साइज के बेचना चाहेंगे कुछ लोग छोटे हो और मीठे हो कुछ चाहेंगे कि बड़े साइज के हो तो दीज आर स्पेसिफिक एग्रोनोमिक एग्रोनोम अगर हम वेराइटी पर ध्यान दें तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं नाउ लेट टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ना ये एक तरीके का टैंजिलो फ्रूट है टैंजिलो क्या नाम है इसका टैंजिलो ध्यान से देखो इसको इसकी शेप आपको लेमन जैसी लग रही है और अंदर से ये ऑरेंज जैसा है तो यानी कि हमने दो अलग अलग स्पीशीज को लिया और क्रॉस करा दिया अब हर जगह ये पॉसिबल नहीं है सबसे पहले तो स्पीशीज का मतलब समझो हम एक स्पीशीज है ह्यूमन बींगस डॉग्स काउस बफेलोज ये सारे की सारी एक स्पीशीज है ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती है बट दो स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती जैसे डॉग्स और कैट्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते है ना जिराफ और डंकीज आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट हमारे जो साइंटिस्ट है हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज ली है और उनका हमने क्रॉस करा दिया है और हमें रिजल्ट भी मिला है अब इसमें एक एनिमल का एग्जाम्पल भी दू मैं आपको आपने म्यूल के बारे में सुना होगा म्यूल म्यूल क्या होता है खच्चर हिंदी में क्या बोलते हैं खच्चर दीज आर स्टराइल ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट हमारे पास एक नई स्पीशीज बनी आपको पता ही किनके क्रॉस से बनती है दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉस ऑफ डी एंड हॉर्स डंकी एंड हॉर्स का क्रॉस कराएंगे तो हमें म्यूल बनता है कभी आपने देखा भी होगा जब हम पहाड़ों पर जाते हैं ट्रेकिंग वगैरह करने जाते हैं तो इनको यूज किया जाता है सामानों को पहाड़ों तक पहुंचाने के लिए ऊपर ऊपर लेके जाने के लिए तो बेटा म्यूल ये एक नया एनिमल बना किसको क्रॉस कराया था डंकी और हॉर्स को क्रॉस करा दिया था एंड खुद ये इनफर्टाइल होते हैं यानी कि ये म्यूल आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है बट हम क्रॉसिंग कराते हैं और बहुत सारे म्यूल्स बनाते हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है ऐसे ही प्लांट्स में भी पॉसिबल है जैसे कि ऑरेंज को क्रॉस करा हमने ग्रे और पॉमिलो के साथ तो हमारे पास टैटजिलो आ गया देन इज इंटर हाइब्रिडाइजेशन अच्छा हमने ये क्यों किया होगा ये क्रॉस क्यों किया होगा साइज की वजह से टेस्ट की वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यूज की वजह से तो जो अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगी उन दोनों को हम क्रॉस करा देंगे हमारे पास नई वेराइटी आएगी उनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे यानी कि डबल फायदा नेक्स्ट इज इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन दो जेनेरा के बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे तो जैसे आपको लेना है वीट और एक आपको लेनी है राय ठीक है ये हिंदी वाला राय नहीं है बेटा ठीक है वो राइस राई होती है ना जो हम डालते हैं खाने में वो नहीं है ट्रिटिकेल इज अब्रिड ये जो आपको यहां वेराइटी दिख रही है ट्रिटिकेल नाम का प्लांट है ये दो जेनेरा को क्रॉस किया हमने उसके बाद हमें मिला इंटर स्पेसिफिक हो गया इंटर जेनेरिक हो गया इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और देख लेते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो वेराइटीज के बीच में क्रॉस करा दे अब ये यहां पर एग्जाम्पल इसलिए नहीं है क्योंकि वेराइटी एक लार्ज प्लांट है एक स्मॉल प्लांट है एक आ, बड़े साइज का एप्पल है एक छोटे साइज का एप्पल है तो अलग अलग वैरायटी हो गई दोनों के प्लांट्स को अगर हम क्रॉस करा देंगे तो हमारे पास नई वैरायटी आ जाएगी एक मान लो बहुत मीठा एप्पल है और एक बहुत रेड एप्पल है तो दोनों को क्रॉस करा दोगे तो मीठा और रेड दोनों के कैरेक्टर सिक्स उसके अंदर अन, आ जाएंगे ना सो दैट इज नोन एज वेराइटी के बीच में क्रॉस कराना वेराइटी का एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि ना हमारे कुछ बर्ड्स होते हैं इंडिया के बर्ड्स की आप मान लो इनकी स्पेशलिटी है कि ये ना बहुत गर्मी झेल जाएंगे और वहीं पर कोई बाहर दूसरे देश की वेराइटी है जो कि हमें लार्ज नंबर ऑफ एग्स देती है तो हमारे इंडिया वाले बर्ड्स की क्या स्पेशल बात हो गई कि भाई बहुत गर्मी होगी तो भी ये सर्वाइव करेंगे और कोई और दूसरी कंट्री की स्पीशीज है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स दे रही है इंडिया से भी ज्यादा जो बर्ड्स है इंडिया वाली उनसे ज्यादा तो हम दोनों का क्रॉस करा देंगे अब हमारे पास जो नया बर्ड बन के आया है वो लार्ज एग प्रोडक्शन भी देगा और बहुत ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर जाएगा डबल फायदा तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दो वेराइटी के बीच में क्रॉस करा दो स्पीशीज तो एक ही है यानी कि अगर हम हैन की बात करें तो हेन की ही क्रॉस कराएंगे बट दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में समझ आ गया तो तीन अलग अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है स्पीशीज के बीच में जेनरा के बीच में और वेराइटी के बीच में स्पीशीज के बीच में अगर हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक जेनेरा के बीच में हो रहा है तो इंटर जेनेरिक और वेराइटीज के बीच में हो रहा है तो हमने पढ़ा इंटर इंटर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। देन क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में एक और टेक्निक हमें यूज करनी है यहां पर आओ एक बार क्या मेथड पुग्गू बताएगा डुगू को इसके पास अच्छी वेराइटी थी ना तो इसको सजेस्ट करेगा ये कहेगा कि पहले तो भाई तू तो हाइब्रिडाइजेशन कर हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन करेगा जिस भी हिसाब जिसके हिसाब से इसके पास क्रॉप्स होंगे दूसरा कहेगा जीएमओ टेक्नोलॉजी यूज कर अब ये क्या है यार ये तो फिर भी समझ आ गया डुगो को पर जीएमओ क्या है जीएमओ देखते हैं जीएमए की फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम अब जेनेटिक वर्ड आ गया है इसके बीच में यानी कि इट इज रिलेटेड टू जीन्स जीन्स से रिलेटेड है तो जीन्स क्या होती है पहले तो ये समझ लो हर एक लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्लांट्स भी तो है, इनके अंदर प्लांट सेल है प्लांट सेल के न्यूक्लियस के पास उनका डीएनए पड़ा हुआ होगा वही डीएनए डिसाइड करेगा कि ग्रीन कलर का प्लांट बनाओ अगर एप्पल की बात कर रहे हैं हम तो वही डीएनए डिसाइड करेगा कि भाई रेड कलर देना है एप्पल को इसका साइज ऐसा गोला सा होना चाहिए लंबा नहीं बनाना आम जैसा नहीं बनाना है तो सारे जींस होते हैं जो हर एक कैरेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसान को इंसान जैसा बनाना है डंकी को डंकी जैसा बनाना है मैंगो प्लांट को मैंगो जैसा बनाना है ये सारी की सारी चीजें जीन्स डिसाइड कर रही है इसीलिए हमारे जीन्स अलग अलग होंगे सबसे अच्छा नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली वर्ड किससे आ गया जीन से आ गया मॉडिफाइड मतलब चेंज चेंज करना तो हमने ना चेंज करा है इन क्रॉप्स को बनाने के लिए क्या करा है देखो सुनो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको बहुत अच्छा सा इस एग्जाम्पल को पढ़ो गोल्डन राइस अ ऑफ राइस राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा सटाइवा तो अब हमने क्या किया गोल्डन राइस बनाना शुरू कर दिया बाय चेंजिंग द जीन्स जीन के अंदर बदलाव करेंगे हुआ क्या देखो थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन विच एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए हमने बनाए गोल्डन राइस राइस को ही हमने चेंज कर दिया राइस के जो जीन थे ये राइस का मान लो जीन है प्लांट होगा उसका जीन है उसका डीएनए है उसके ऊपर हमने ना एक स्पेशल जीन डाल दिया यहां पर स्पेशल जीन डाल दिया किसका जीन डाल दिया ऐसा जीन डाला है जो कि बीटा कैरोटीन बनाएगा <coughs> बीटा कैरोटीन बनाएगा बीटा कैरोटीन फिर विटामिन ए प्रोडक्शन में हेल्प करेगा हमारी बॉडी के अंदर तो लोग ज्यादा गोल्डन राइस खाएंगे बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट हो जाएगी जिनके अंदर विटामिन ए की कमी है उनको बोला जाएगा कि भाई तुम गोल्डन राइस खाओ क्या नेचुरली हमारे पास गोल्डन राइस प्रेजेंट थे नहीं हमने उसका डीएनए लिया उसके अंदर हमने एक ऐसा जीन डाल दिया जो कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को और ज्यादा एनहस कर रहा है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहा है That is known as या फिर अब एक और एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको सिल्क वॉर्म वाला कॉटन का बेसिकली बीटी कॉटन अभी फुल फॉर्म में मत जाना बस कॉन्सेप्ट को समझो बीटी कॉटन क्या होता है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जैसे कि कॉटन के प्लांट के अंदर ना बहुत सारे वर्म्स आ रहे थे और उसको डैमेज कर रहे थे तो फार्मर्स बड़े परेशान थे भाई हमारी कॉटन तो खराब हो जाती है तो हमने क्या किया हमने कॉटन का प्लांट लिया उसका डीएनए लिया ऐसा कुछ उसके उसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया मान लो ये, ये कॉटन के जीन की बात हो रही है हमने एक ऐसा जीन डाल दिया जो कि एक केमिकल बनाएगा मान लो एक्स नाम का उसने केमिकल बनाया अब इस केमिकल से हमें कोई नुकसान नहीं है जो कॉटन यूज हैं उनको कोई नुकसान नहीं है ठीक है कॉटन के प्लांट को खुद भी कोई नुकसान नहीं है बट जो वर्म इसको खाने के लिए आ रहा था वो मर जाएगा इसको खाते उसके लिए ये बेटा अच्छी चीज नहीं है मान लो ये वर्म है ठीक है ये मर जाएगा जैसे ही ये इस जीन को या जीन नहीं बोलेंगे इस केमिकल को जैसे ही खाएगा ये वर्म मर जाएगा तो अब इस जीन को इंट्रोड्यूस करा गया कॉटन के प्लांट के अंदर अब खास इनके, उनके अंदर अपने आप होता पास होता ऐसे नहीं है कि हमें कॉटन के प्लांट के सीड्स लेकर बैठने हैं सबके अंदर हमें चेंज करना है वन चेंज इज इनफ इट विल बी इनहेरिटेड और पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशन फर्दर जनरेशन क्योंकि आने वाली जनरेशन के अंदर जाएगा ही जाएगा तो बीटी कॉटन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल अब बीटी कॉटन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है फार्मर्स बड़े खुश हो गए कि देखो वो कॉटन आसानी से ग्रो कर पा रहे हैं कॉटन हम भी यूज कर रहे हैं हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा बट जब भी वो वर्म उसको खाने के लिए आता है वो खुद ही मर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल बन रहा है जो उस वर्म को टारगेट करके उसको नुकसान देता है ऐसी क्रॉप्स को हम बोलते हैं बीटी कॉटन ऐसे ही ना बीटी ब्रिंजल भी बना हुआ है बहुत सारी वेराइटी बनी हुई है नेक्स्ट पर आ जाओ वट आर द फैक्टर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन वेराइटी क्या क्या फायदा होगा अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं हमने हाइब्रिडाइजेशन uh, कर लिया हमने वन सेकेंड आई एम हैविंग वॉटर देखो बेटा डुगू को ये सारी चीजें बताई गई पहली बताई गई कि हाइब्रिडाइजेशन कर दूसरी बताई गई कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करो ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में इसको जरा यूज करो ठीक है अब उससे होगा क्या रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सबसे पहला फायदा तो ये हो जाएगा बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग तो क्रॉप्स को बड़ा ही खतरा रहता है इन फैक्टर्स से जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स हम बैक्टीरिया और वायरसेस से बीमार होते हैं ना सेम तरीके से प्लांट्स को भी बैक्टीरिया और वायरसेस से बीमारियां लग सकती है अगर आप अच्छी क्वालिटी का सीड यूज कर रहे हो तो हो सकता है उनको बीमारियां ना लगे कम बीमार पड़े या ना के बराबर उनको बीमारियां लगे तो यही तो दिक्कत आ रही थी डुगू पुअर क्वालिटी वाले सीड्स यूज कर रहा था उसके क्रॉप को डैमेज इसलिए हो रहा था बहुत जल्दी बीमारियां लग रही थी प्रोडक्शन भी उतनी अच्छी नहीं थी तो बड़ा लॉस में जा रहा था अब उसने हाइब्रिड वेराइटी वाले सीड्स यूज करे उसने हाइब्रिडाइजेशन भी कर लिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी लाया अब उसको फायदे देखना क्या क्या दिखेंगे डिसीजेस से बचे रहेंगे उसके प्लांट्स इंसेक्ट्स और काफी सारे वर्म्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स और रोडेंट्स फील्ड को डैमेज करते हैं जैसे ये यह यहां पर क्या दिख रहा है आपको लोकस्ट अटैक न्यूज में सुना होगा आपने टिड्डा अटैक बहुत सारे टिड्डे आ गए थे उड़ के फील्ड्स को खराब कर रहे थे फार्मर्स के क्रॉप्स को नुकसान हुआ था बहुत ज्यादा ठीक है देन सूखा पड़ गया अगर ये क्या है इस पिक्चर के अंदर ड्राउट कंडीशन है बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया ठीक है बारिश हो ही नहीं रही है सलाइनिटी जो सॉयल है वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गई है दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग क्रॉप्स के लिए वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया सॉइल के अंदर हर क्रॉप को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता हीट कोल्ड फ्रॉस्ट ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं जो कि क्रॉप की प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं सो एच वाईवी सीड्स यूज करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम यूज करने के बाद इससे फायदा होगा देन डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ मेच्योरिटी डुगू परेशान था उसकी क्रॉप्स छह से सात महीने ले रही थी यार ग्रो करने में नॉर्मल से भी ज्यादा टाइम ले रही थी बट जब हाइब्रिड वेराइटी वाली सीड्स उसने यूज करी तो जल्दी से उसने सीड्स को सो किया और हार्वेस्टिंग का टाइम भी जल्दी से आ गया अब वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप जल्दी से तैयार कर सकता है अगेन उसको कमर्शियल लेवल पे बहुत बेनिफिट होगा मेहनत भी बचेगी उसकी सो डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ मेच्योरिटी देन वाइडर वाइडर िटी का मतलब यही है बेटा कि जब क्लाइमेटिक सरवाइव कर पाए ऐसा ना हो कि सारी की सारी हो है Then, yield, एक छोटे से एरिया पर लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो करे दैट इज नोन एज हाइयर ही मतलब प्रोडक्शन इससे भी परेशान था डुगू क्योंकि बेचारा जितनी भी मेहनत कर ले जितने ही एरिया को यूज कर ले उस एरिया की मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रही थी वो उसको नहीं मिल रही थी अभी तक अब मिलना शुरू हो जाएगी डिजायर्ड एग्रोनोमिकरेक्टरस्टिक्स अब डिजायर्ड एग्रोनोमिकरेक्टरस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सीड्स और फ्रूट का कलर डिजायरेबल रखा जाता है है ना एंड स्ट्रेस अडेप्टेबिलिटी की ज्यादा अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें भी सीड सरवाइव कर जाए तो डिजायर्ड डिजायर एग्रोडोमिकरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैंने आपको बताया जैसे पल्सिस अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वो चाहेगा कि यार बहुत ज्यादा प्रोटीन हो उसकी दालों के अंदर ठीक है ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा है कोई ऑयल सीड्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है तो बेसिकली वो ये देखेगा कि यार ऑयल थोड़े से सीड्स में बहुत ज्यादा हो ज्यादा प्रोडक्शन हो ऑयल की तो दीज आर सम डिजायरेबल समिजायरेबल एग्रोडोमिकरेक्टरिस्टिक्स जो कि फार्मर्स अपने लेवल पर डिसाइड करते हैं नेक्स्ट हमने वैरायटी इंप्रूव कर ली क्या क्या तरीके अपनाए थे दो तरीके मेन हमने अपनाए है हुए हैं बेसिकली तीन हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स देन देन दूसरा हाइब्रिडाइजेशन तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है कम्स क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट मतलब अब ना हमें लार्ज नंबर पे क्रॉप को ग्रो कराना है क्या करें इसके लिए कुछ टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में आती है देखो सबसे पहले आता है अभी जो डुगू है उसने वैरायटी तो इम्प्रूव कर ली बट फिर बेचारा रो रहा है फिर आ गया पुग्गू के पास रोते हुए यार मैं बड़ा परेशान हूं क्या हो गया इसको पूछता है इससे इसका दोस्त ओके ये खुश है अभी भी अभी इसकी खुशी का राज पता चलेगा ये इसने पूछा कि यार मेरी ना प्रोडक्शन अभी भी बड़ी नहीं है मतलब मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप नहीं ग्रो करा पा रहा हूँ वेरायटी तो इम्प्रूव हो गई है देखो क्वालिटी बढ़िया है सेब मीठे हैं अच्छी क्वालिटी है पल्सिस के अंदर ज्यादा प्रोटीन है वो सब तो ठीक है बट लार्ज प्रोडक्शन में देखो इसकी वेरायटी इंप्रूव हो रही है तो डिमांड बढ़ गई ना इसको बोला जा रहा है मार्केट में और इसकी डिमांड्स आ रही है बट मार्केट तक तो कैसे पहुंचाएगा इसका प्रोडक्शन अभी कम है तो ये प्रॉब्लम लेकर आया ये पुग्गू के पास अब पुग्गू कहता है कि मिक्सड क्रॉपिंग कर ये कहता है भैया मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है तो मिक्सड क्रॉपिंग इज अभी तक ये सिर्फ एक ही वैरायटी को एक लैंड पर ग्रो कर रहा था एक फील्ड पर ग्रो कर रहा था ट भी हो सकता है मस्टर्ड भी हो सकता है मेज भी हो सकता है बट इनमें से कोई एक वेराइटी ये ग्रो कर रहा था मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि इसमें दो तीन कॉम्बिनेशन उठाए अब ऐसा नहीं है कि आप राबी और खारिफ क्रॉप को एक साथ ग्रो करना शुरू कर दोगे नहीं जो एक लैंड पर कंपेटेबल है आपस में ग्रो कर सकती है जैसे कि वीट और मेज को एक लैंड पर ग्रो किया जा सकता है तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या किया जाएगा दो या दो से ज्यादा क्रॉप ऐसे रैंडमली हम फील्ड पर ग्रो करा देंगे यहां पर मेज उग रहा है यहां पर मस्टर्ड उग रहा है यहां पर वीट उग रहा है इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग की जाती है तो ये बोलता है कि भैया ठीक है चल तुम कह रहे हो तो मैं काम तो कर लूंगा बट फायदा क्या इसका क्यों करूं कहता है कि भैया देख एक तो क्रॉप फेलियर अगर हो रहा है बाई चांस अब आपने पूरे लैंड पर वीट ग्रो करी है कोई ऐसे पेस्टिसाइड का अटैक हो गया जो वीट को खाकर ही दम लेगा वहां से बिल्कुल क्रॉप को डैमेज करेगा तभी उसको मजा आएगा तो आप ऐसे पेस्ट अटैक से पूरा नुकसान हो जाएगा ना अगर एक ही वैरायटी पर फोकस कर रहे हैं तो एक ही स्पीशीज पर फोकस कर रहे हैं तो इसलिए अलग अलग वेराइटीज रखो आप मस्टर्ड भी ग्रो कर लो और आप वीट भी ग्रो कर लो हो सकता है वो जो पेस्टिसाइड है सिर्फ वीट को नुकसान दे तुम्हारा दूसरा क्रॉप तो बच जाएगा ना तो ये फायदा होता है मिक्स क्रॉपिंग का अब और बारिश नहीं हुई यार एक साल अच्छे से बारिश नहीं हुई जितनी रेनफॉल चाहिए थी तो एक क्रॉप आप ऐसी ग्रो करो जो अगर डैमेज हो भी जाए तो हंड्रेड परसेंट लॉस ना हो दूसरी क्रॉप तो बच जाएगी है ना एडवर्स क्लाइमेटिक मान लो आप बहुत अच्छी वैरायटी भी भी यूज कर रहे हो बट उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी खराब हो गई कि बेचारी एक क्रॉप सरवाइव नहीं कर पा रही है तो दूसरी क्रॉप तो सरवाइव कर जाएगी तो आपके पास एक बैकअप है बेसिकली आप अलग अलग वैरायटीज को यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल पी को हम के साथ ग्रो कर सकते हैं पी यानी कि मटर सेरल व्हीट मेज ये सारे के सारे वेराइटी Uh, के अंदर आ जाते तो आप वीट के साथ यूज कर सकते हो पी को तो इसने इसको यही सजेस्ट किया है नुकसान होगा, तो हंड्रेड परसेंट नहीं होगा बच जाएगा अभी भी ये मजा नहीं आया इसको इसने बोला यार चल ठीक है मैं ट्राई तो करूंगा बट मेरे को एक और भी तरीका बता दे एक और तरीका है इंटर क्रॉपिंग इसने बोला कि अभी तक आप रैंडमली ग्रो कर रहे थे इधर आपकी कहीं पर पी ग्रो कर रहा है और इधर व्हीट ग्रो कर रहा है इंटर क्रॉपिंग होती है बहुत ही तमीज से यानी कि आप लाइंस बनाओ एक क्रॉप की फिर दूसरी लाइन दूसरी क्रॉप की जैसे तुम क्लासरूम में बैठते हो ना जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो ये गर्ल्स की लाइन ये बॉयज की लाइन या गर्ल्स की लाइन या बॉयज की लाइन ऐसे मुझे लगता है कि बच्चे कम बातें करते हैं बट उल्टा ज्यादा बातें करते थे चलो छोड़ो इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है इट इज अ टेक्निक इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू स्पेसिफिक रो पैटर्न इन द सेम फील्ड ऐसे लाइंस में जैसे बना हुआ है ना यहाँ पर यही देख लो बेटा ऐसे रोज में ग्रोथ हो रही है यहाँ पर एक वैरायटी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर अलग अलग सारी नहीं दो या तीन एक साथ आप ग्रो कर सकते हो एग्जांपल्स देख लो इसके गार्लिक टमैटोस बनाना एंड कॉफी इनका कॉम्बिनेशन है बनाना और कॉफी को एक साथ ग्रो कर सकते हैं गार्लिक और टमाटो कर सकते हैं तो है? है, इस्तेमाल किया गया ठीक है देन फायदे मोर और लेस दोनों के सेम ही होते हैं ऐसे कोई फायदों में डिफरेंसिस नहीं है क्रॉप रोटेशन ये कुछ नया है ये क्रॉप रोटेशन ना अभी पहले देखो क्या सीख कर गया डुगू पुगू से कि दो मेथड यूज कर लेता हूँ यार कि ठीक है मैंने सारी टेक्निक्स अपना ली बट ना मेरे को लग रहा है कि अब मेरी सॉइल में थोड़ी सी कमी रह गई है जितना नाइट्रोजन मेरे प्लांट्स को चाहिए उतना नाइट्रोजन यार मिल नहीं पा रहा मुझे लग रहा है कि नाइट्रोजन की कमी हो गई है मेरे प्लांट्स के अंदर तो पुगु कहता है यार इसका एक रीजन हो सकता है कि तेरी सॉइल के अंदर ही नाइट्रोजन कम हो दैट कुड बी वन ऑफ द अब के अंदर नाइट्रोजन कम हो गया यार क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग तो अभी करनी शुरू करी है इतने सालों से जो वो वीट ग्रो कर रहा था वीट का फेवरेट फूड है नाइट्रोजन फॉस्फोरस अब इतने सालों से वीट ग्रो करते करते सारा सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो तो खत्म हो गया ना रिप्लेनिश उतना नहीं हो रहा जितना यूज होता जा रहा है इस चीज से बचने का क्या तरीका है कि आप एक सीजन वीट ग्रो कर लो दूसरे सीजन मेज को चांस दो तीसरे सीजन पीज को चांस दो दैट इज क्रॉप रोटेशन कि आप अलग अलग क्रॉप को चांस दे रहे हो पहला राउंड एक क्रॉप का फिर दूसरे क्रॉप का फिर तीसरे क्रॉप का इससे क्या होगा अगर एक क्रॉप का फेवरेट फ्रूट नाइट्रोजन है तो दूसरे का फास्फोरस होगा तीसरे का कुछ और होगा तो एक न्यूट्रिएंट की कमी हमारी सॉइल के अंदर नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देता क्रॉप रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वन टू और थ्री ईयर रोटेशन द क्रॉप आर सिलेक्टेड तीन साल के लिए दो साल के लिए दैट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम में रोटेट करना चाहते हो जैसे कि राइस क्रॉप यूज अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल अब सारा नाइट्रोजन अगर ये ले लेंगे

और एनओ थ्री में ठीक है जैसे तुम अगर खाना बनाना नहीं जानते हो तो तुम कच्ची सब्जी तो नहीं खाने लग जाओगे तो नाइट्रोजन यहां पर ना एक कच्ची सब्जी है जो ये नहीं खा सकता अब इसको पकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मम्मी की जरूरत पड़ेगी कि मम्मी आप खाना बना दो तभी तुम खा लोगे अब यहां पर मम्मी कौन है इन प्लांट्स की राइजोबियम बैक्टीरिया फ्रैंकिया बैक्टीरिया ये चाहता है

उसमें नॉड्यूल्स में मैं तुम्हें कमरे दे दूंगा वहां पर जाकर तुम रह सकते हो तो ये राइजोबियम इसकी रूट नॉड्यूल्स के अंदर किसकी रूट नॉड्यूल्स के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नॉड्यूल्स के अंदर सर्वाइव करना शुरू कर देता है अब इनको फ्री में रहने की जगह मिल गई राइजोबियम बैक्टीरियाज को इनको हम हाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी बोलते हैं इनको रूट में रहने की जगह मिल गई घर मिल गया इसका फायदा हो गया ये इसको फ्री में नाइट फ्री में तो नहीं

फिर इनको जब मार्केट uh, में वो पल्सिस बेचाएगा अगला राउंड फिर से राइस का लगा देगा तो इस तरीके से फार्मर्स काम करते हैं नाउ इज नेक्स्ट ने इगेशन इरीगेशन क्या होता है फील्ड में पानी डालना के अंदर या क्रॉप्स को पानी देना दैट इज नोन एज इरीगेशन मोस्टली फार्मर्स मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं पानी के लिए बट मानसून हर टाइम तो रहेगा नहीं हर साल पूरे साल थोड़ी मानसून रहता है तो हमें रिवर uh, से आसपास पास से वाटर बॉडी से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना होता है पानी डालने के लिए फील्ड के अंदर अब सबसे पहले यहाँ पे यही लिखा हुआ है बेटा इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द दॉइल अब वाटर एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि प्लांट्स जिंदा रह सके उनको भी चाहिए पानी हमारी तरह दूसरा जो उनको सारे न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रियजॉर्ब करने हैं ना वो रॉ फॉर्म में नहीं कर सकते उनको सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल फॉर्म में एब्सॉर्ब करने हैं सोल्यूबल फॉर्म कैसे मिलेगी जब बहुत सारा पानी होगा तो पानी के अंदर मिनरल्स ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं ये सारे प्लांट्स इसीलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्रॉप्स के लिए क्या क्या तरीका है ऐसे हम गांव में फार्मर हैं हमारे आसपास मान लो कोई नदी नहीं है बारिश आई होगी हमने यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया डिसाइड किया हुआ है ये थोड़ा लो लेवल का एरिया है ग्राउंड वाइज बोल रही हूं तो यहाँ पर बारिश आई होगी पानी भर गया ये एक टैंक बन गया अब यहाँ हमारे खेत है हम यहाँ से पानी उठाएंगे यहाँ फील्ड के अंदर डाल देंगे इसी को बोलते हैं टैंक ये एक तरीके से छोटे छोटे रिजर्वियर होते हैं छोटा है देखो है ना रिजर्वियर यानी कि सेव करने वाली जगह ये छोटे छोटे रिजर्वियर होते हैं जो कि आसपास ऐसे बनाए जा सकते हैं एक पीछे की तरफ बना दो एक इधर बना दो बारिश का पानी सेव कर लो देन इज द केनाल सिस्टम नाउ केनाल सर एक रिवर जा रही है उसमें से छोटा सा साइड में से रास्ता निकाल दिया दैट कैन बी कॉल्ड कैनाल अब इस कैनाल से हम हमारे खेतों में पानी डाल देते हैं तो रिवर से राय बट डायरेक्टली रिवर से नहीं ले रहे हैं हम हमने एक साइड में एरिया निकाल दिया या फिर साइड में एक छोटा सा रास्ता वैसे ही जा रहा होगा रिवर के वहां पर पानी आ जाता है उसके आसपास जो खेत है उनको फायदा हो जाएगा कि यहाँ से पानी हम अपनी फील्ड के अंदर डाल सकते हैं इसकी और ब्रांचेस भी निकल सकती है बेटा फील्ड में हम डाल सकते हैं कैनाल्स के बाद आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम ये लिवर नहीं है रिवर लिफ्ट सिस्टम है रिवर लिफ्ट सिस्टम के अंदर कि हम ना देखो कैनाल ये कैनाल था कैनाल वाला फ्लो था अब इसमें ना इतना ज्यादा पानी का फ्लो नहीं है हमारे बड़े बड़े खेत है यार पुग्गू को देख हो रहे हो कितना सक्सेसफुल हो रहा है तो अब पुग्गू का बर, उस मतलब चलो डुगू का तो काम चल जाएगा इसमें बट पुग्गू को बहुत लार्ज लेवल पर क्रॉपिंग करनी है उसका लेवल उसको ज्यादा प्रेशर से पानी चाहिए ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए तो उसने क्या किया उसने रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज करना शुरू कर दिया डायरेक्ट रिवर से उसने लगाए हुए हैं और वो प्रेशर से पानी आता है है उसके खेतों में जाता रिवर लिफ्ट सिस्टम flow, सिस्टम इट इज इन द एरियाज ऑफ लो कैनाल कैनाल फ्लो कि वाला ठीक से काम नहीं कर रहा वहां पर कम फ्लो है सो वॉटर इज ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम रिवर्स इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया रिवर लिफ्ट सिस्टम डायरेक्टली रिवर से पानी को लिफ्ट करो नेक्स्ट इज वेल्स कुएं ठीक है एक तो होता है पुराना तरीका कुओं का कि बाल्टी डाली पानी निकाला है ना बट फील्ड के अंदर पानी डालना है। कितने लार्ज लेवल पर चाहिए तो आप उसके अंदर मोटर लगा सकते हो उसके बाद ट्यूबवेल्स भी होते हैं कुछ इस ट्यूबवेल्स ट्यूब के अंदर क्या होता है बेटा ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा है जो कि फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है डग वेल वो आपके पुराने जमाने वाले नॉर्मल कुए ऐसे वाले कुएं है ना कुछ ऐसा ही होता है These are dug wells. Then, tube bell, ये tube है। dug के अंदर आप किसी रस्सी से या किसी मोटर से नीचे वाली लेयर से पानी निकाल रहे हो बहुत ही मेहनती वाला काम है बट यहां पर ट्यूबवेल के अंदर एक पंप लगा हुआ होता है और वो पंप नीचे से पानी को निकालता है आपके ट्यूबवेल को भर देता है देखो क्या हो रहा है ये ट्यूबवेल है ये भर गया यहां से ऐसे छोटा सा रास्ता जा रहे है वो आगे तक जा रहा होगा और फील्ड में पानी को पहुंचा रहा होगा दैट इज नोन एज वेल सिस्टम वेल से पानी पहुंचाया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दो और तरीके हैं थोड़े मॉडर्न तरीके हैं वन इज ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम का मॉडल तुम्हारी मैम तुम्हे बनाने के लिए दे सकती है और दूसरा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम पानी देने का ही तरीका है देखना कैसे अब ये थोड़े एडवांस तरीके हैं कौन यूज कर रहा होगा अपना बॉस पुग्गू अब देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है जैसे बहुत सारी क्रॉप है बेटा हम एक काम करते हैं यहां पर हम एक लैंड बना लेते है। ठीक है यहां पर हमारी बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर रही है फॉर एग्जाम्पल अब आपने यहां से एक सोर्स लगा लिया यहां से पानी आ रहा है यहां पानी इकट्ठा हो जाएगा बेचारे इनको नहीं मिलेगा या मिलेगा भी तो बहुत टाइम बाद मिलेगा है ना सो so, ये ड्रिप सिस्टम क्या होता है एक पाइप लगा हुआ होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है लाइक like दिस ठीक है इस पाइप में ना छेद होते हैं काफी सारे होल्स होते हैं इस पाइप के अंदर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जहां जहां क्रॉप मतलब आपको दिख रहा है कि मेन क्रॉप है, है, अब क्या होगा? पानी जो है, वो यहां से जब फ्लो करेगा तो बूंद बूंद करके हर एक क्रॉप के पास जाएगा ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके हर एक क्रॉप के ऊपर लगा हुआ है ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहे सही बात है थोड़ा थोड़ा इनफ होगा सारे क्रॉप्स तक पहुंचने के लिए तो इसी को इसी को बोलते हैं ड्रिप सिस्टम कि एक मोटा सा पाइप है उसमें बीच में होल्स है बूंद बूंद करके हर एक क्रॉप के पास पानी आ रहा है That system is known as drip system. Sprinkler system क्या है? इसी में समझ लो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है कि हमने ना ऐसे फाउंटेन्स लगा दिए हैं इस तरीके से अलग अलग जगह पर फाउंटेंस लगा दिए अब फाउंटेन से क्या होगा इसके ऊपर एक नोजल होता है टैप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो जब यहाँ नीचे से पाइप जा रहा होगा नीचे से बेटा पाइप जा रहा होगा कोई तो सोर्स होगा ना ये पाइप जा रहा होगा अब इन फाउंटेन्स में से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंकल्स फारे की तरह पानी निकलता है ऐसा और ये रोटेट भी करते रहते हैं ये जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं आई एम डैम श्योर आपने मेथड देखा होगा काफी बार फील्ड्स के अंदर होता है ऐसे पाइप्स लगे हुए होते हैं तो दिस इज नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम कि स्प्रिंकलर की तरह फाउंटेन की तरह पानी सारे फील्ड के अंदर जा रहा है अब इससे भी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है हो जाता है काम फार्मर्स का सो दीज आर मोर मेथड ऑफ इरीगेशन सिस्टम नाउ लेट इस टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है ऑर्गेनिक चीजें यूज करने हैं ठीक है, है? Uh, आजकल पुग्गू बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहा है

ओनली ऑर्गेनिक मैन्य बायो फर्टिलाइजर्स लिख रही हूं मैं फर्टिलाइजर्स तो है बट बायो फर्टिलाइजर्स है बायो फर्टिलाइजर्स आर नॉट केमिकल्स हम बेसिकली न्यूट्रिय का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फर्टिलाइजर्स की तरह काम कर रहे हैं बट दे आर नेचुरल ठीक है बायोपेस्टिड बायोपेस्टिसाइड्स मतलब अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है क्रॉप तो हमें तब भी ग्रो करना है उसमें इंसेक्ट का अटैक तो तब भी हो सकता है हमें दवाइयां नहीं डालनी है बट हम बायोपेस्टिस का इस्तेमाल करेंगे व्हाट वर बायोस्टिस जैसे कि मान लो एक तरीके का इंसेक्ट है जो आपकी फील्ड को डैमेज कर रहा है तो आप ना लेर्ड्स को जाने दो अपनी फील्ड के अंदर को क्रॉप से कोई मतलब नहीं उनको मच्छर खाने हैं सिर्फ तो वो उन इंसेक्ट्स को पर्टिकुलरली खाना शुरू कर देंगी सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ <coughs> तो ऐसे हम बायोपेस्टिस का इस्तेमाल करते हैं मच्छर से अगर हम बचाना चाहते हैं ना हमारी फील्ड को तो हम नीम को भी ग्रो कर सकते हैं साथ के साथ तुलसी को ग्रो कर सकते हैं नीम तुलसी आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ अगर नीम और तुलसी ग्रो करेंगे तो वैसे ही मच्छर नहीं आएंगे फील्ड के अंदर सो so, आपने केमिकल नहीं डाला ना बायोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल किया है नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया दैट इज वाइट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप रोटेशन करो इंटर क्रॉपिंग का यूज करो ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में की जाती है जैसे लिखा हुआ है देखो यहां पर बायोपेस्टिसाइड्स आर और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट अब यहां पर एक तरीका तो मैंने बताया कि नीम और तुलसी को ग्रो कर दो इनके बाइड काबाउट न्यूट्रिय देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिय जैसे हमें न्यूट्रिय की जरूरत है ना ऐसे प्लांट्स को भी सारे के सारे न्यूट्रिय की जरूरत होती है प्लांट्स को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मैक्रो का मतलब होता है लार्ज तो अगर लार्ज क्वांटिटी में कोई न्यूट्रिएंट चाहिए वो मैक्रो कहलाता है फॉर एग्जाम्पल देयर इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर नाउ दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट ये आपको याद करने हैं जैसे कि बेटा एक ट्रिक है इसको याद करने की दैट इज ये सारे न्यूट्रिएंट्स याद करने की ट्रिक ट्रिक है इज दिस कलर विजिबल ब्लैक कलर विजिबल येलो ले लेते हैं देखो हॉपकिंस हॉपकिंस कैफे इज माइटी गुड एंड क्लीन गुड एंड क्लीन कैफे इज माइटी गुड एंड क्लीन हॉककिन कैफे बड़ा ही अच्छा और सुंदर है साफ और सुंदर है देखो एच फॉर हाइड्रोजन ओ फॉर ऑक्सीजन पी फॉर फॉस्फोरस पोटेशियम के के लिए एन नाइट्रोजन के लिए एस सल्फर के लिए कौन सा हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर इज डन ठीक है कैफे कैल्शियम आ गया ठीक है उसके बाद मैग्नीशियम के लिए माइटी एम जी एंड बाकी सब छोड़ दो क्लीन से आपको कार्बन याद कर बेटा क्यों बता रही हूं ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना यहां से एमसीक्यू बनते हैं आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो इसको एक बार आपको याद करना है उसके बाद आपकी लाइफ टाइम की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि मुझे थोड़े टाइम पहले ये ट्रिक पता चली है मेरे को भी याद नहीं होते थे कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो है बट दिस ट्रिक इज वेरी हेल्पफुल तो आपको याद हो जाएगा हो जाएगा हॉपकिंस कैफेज माइटी गुड एंड क्लीन गिव इट अ मिनट रिवाइज इट राइट नाउ इसको अभी याद करो बेटा हॉपकिस कैफेज माइ टी गुड एंड क्लीन अब पढ़ो माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय माइक्रो याद करने की भी एक ट्रिक है देखो क्या ट्रिक है जिंक मोटू क्लास में बहुत निकल फेकता है निकल फेंकता है अब देखो इसकी क्या क्या फॉर्म है किससे क्या बन रहा है ऑब्वियसली जिंक मैंने जेडे ही लिख दिया जिंक मोटू ठीक है एमओ मॉलिपनम ठीक है क्लास में क्लोरीन क्लास के लिए सीएल आ जाएगा यहां पर मे मे से है कुछ मैग्नीज़ एम और एन मैग्नीज़ के लिए मे बहुत बोरॉन निकल पूरा ही आ गया फेंकता है एफ आयरन बस जिंक मोटू क्लास में बहुत निकल फेंकता है कोई रह गया क्या कॉपर रह गया आयरन जिंक मोटू मैग्नीज भी हो गया आयरन भी हो गया कॉपर रह गया यार कॉपर तो याद कर लो

इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस क्या है देखो ये न्यूट्रिएंट्स मिल कहा से रहे हैं अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की तो ये तो ये बेटा एयर से मिल जाएगा देन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल जाएगा बाकी जितने भी न्यूट्रिय रह गए ना मैक्रो और माइक्रो इनका सोर्स है सॉयल ये सारे न्यूट्रिय प्लांट को कहा से मिलते हैं सोयल से मिलते हैं उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स Manure का मतलब क्या होता है सॉइल के अंदर ही न्यूट्रिशन ऐड करना खाद खाद हम को बोल सकते हैं अब देखो हम किस तरीके से बनाएंगे ये बेसिकली एनिमल का जो वेस्ट होता है एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सोल इट इज क्लासिफाइड टू डिफरेंट टाइप्स अब मैं आपको बता रही हूं पहले एक कॉन्सेप्ट समझो मान लो हमारी सॉइल है ठीक है इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर आप क्या कर सकते हो वेस्ट सब्सटेंस डाल सकते हो जैसे कि आपने बनाना खाया और उसका जो छिलका है वो इसके अंदर डाल दिया किचन का जो भी वेस्ट होता है ना किचन के वेस्ट में क्या आता है हमारी चाय की पत्ती आती है हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी पुरानी डंडी उनके छिलके ये सारा का सारा का किचन वेस्ट में आता है ना वो किचन वेस्ट अगर मान लो इस के अंदर पड़ा है तो ये बैक्टीरिया आएगा और ये इसका फेवरेट फूड है इनके लिए तो ये पार्टी वाली फील्ड बन गई है इनके लिए तो दावत वाली फील्ड बन गई है तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस आएंगे कहेंगे चलो भाई पार्टी करते आज तो अब ये क्या करेंगे जो ये बड़े बड़े सब्सटांसेस है ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं बड़े बड़े साइज में उनको छोटे छोटे पीसेस में ना ब्रेक कर देंगे हम तो यही चाहते थे कि जो भी वेस्ट सब्सटेंस है वो soil के साथ मिक्स हो जाए छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाए तो ये बैक्टीरिया और फंगस ने इसको छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया इसी को हम क्या बोलते हैं डीकेइंग बोलते हैं डीके हो जाना डीकेइंग तो यही किया इन ऑर्गेनिजम्स ने अंदर Uh, सारे के सारे वेस्ट सब्सटेंस को डीके कर दिया ठीक है थीके? सो अब हमारा मैन्योर तैयार होगा तीन टाइप्स के मैन्योर होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन मैन्योर की। ग्रीन की क्या होते? अभी भी अगर हम देखे तो पुग्गू पुग्गू नहीं डुगु डुगु हमारा फिर से उदास है डुगु इज स्टिल सैड गया हमारे हीरो पुग्गू के पास पुग्गू बेटा अब मस्त वेरी रिच मल्टी बिजनेसेस ठीक है तो पुग्गू इज वेरी वेरी रिच नाउ ठीक है अब क्या हुआ देखो ये इससे फिर से पूछने आया कि यार मेरी सॉइल की क्वालिटी अभी भी मुझे पुअर लग रही है व्हाट टू डू उसने बोला यार एक टेक्निक है मैं तुझे बताता हूँ ग्रीन और का इस्तेमाल कर अब ग्रीन मैने और क्या होता है देखो पुगु क्या करता था अपनी फील्ड के अंदर मान लो ये उसकी फील्ड है मेन क्रॉप को ग्रो करने से पहले ना वो दूसरी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं। जैसे कि मान लो इसको अभी मस्टर्ड ग्रो करनी है ये चाहता है कि सोइल के अंदर ना भर के सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो बट उसके लिए ये पहले एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करेगा जैसे कि सन हेम्प। ये आराम से टाइम देता है एक दो महीने सन हेम्प को ग्रो करने का हेम्प को ग्रो करेगा उसके बाद मस्त अपना ट्रैक्टर इसके ऊपर चला देगा अपना ट्रैक्टर लेकर आएगा और इस ट्रैक्टर को इस फील्ड के ऊपर ट्रैक्टर बनाने नहीं आता इस फील्ड के ऊपर चला देगा ठीक है उससे क्या होगा ये सारा सनहेम्प किसके अंदर डीके होना शुरू करेगा सॉइल के अंदर तो इन्होंने सॉइल से न्यूट्रिशन लिया फोटो किया बहुत सारा खाना बनाया वो सारा का सारा न्यूट्रिशन फिर से हमने किसके अंदर ऐड कर दिया Soil के अंदर ऐड कर दिया तो पहले जो न्यूट्रिशन होगा soil के अंदर उससे ज्यादा न्यूट्रिशन अब प्रेजेंट है ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे मैंने आपको सनहेम्प का एग्जाम एग्जाम्पल दिया है बट लेग्यूमिनस प्लांट्स का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि अभी आपने देखा लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि पल्सेस वाले प्लांट्स इन्होंने अपनी रूट नॉड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया को किराए पे घर दिया हुआ है वो बैक्टीरिया इसके लिए एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करो और फिर उनको फिर से मल्चिंग कर दो उसकी सॉइल के अंदर इससे जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय माइक्रो हैं वो सॉइल के अंदर रिटेन रहेंगे तो so, पहले तो ये टेक्निक सीख के गया पुग्गू से दूसरा कंपोस्ट तैयार करना है कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है कि आपने कुछ भी ग्रो करना है तो सॉइल के अंदर एक लंबा सा गड्ढा बनाओ उसके अंदर आप सारा फार्म वेस्ट, फार्म का जो वेस्ट है यानी कि जब आप हार्वेस्टिंग भी करते हो तो पुरानी स्टेक्स पुरानी स्टेम वो सारी चीजें बच जाती है ना लीफ एंड ऑल वो सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो फार्म वेस्ट हो गया एनिमल वेस्ट Animal का जो वेस्ट यानी होल्ड वेस्ट हाउस होल्ड वेस्ट भी हमारे घरों से जो किचन का बेटा प्लास्टिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर पेपर और पैकेट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है तो वो जो पिट बनाया है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डाल दो और यूरिया डाल दो उसके बाद जो आपके पास तैयार होकर आएगा उसी को आप मैन्योर बोलते हो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आप ये सोइल के अंदर डाल दो काम हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल हो जाएगी अब एक दिक्कत क्या है दिक्कत नहीं इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बात अभी आप याद रखो कंपोस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा और न्यूट्रिएंट्स होंगे फिर आता है वर्मी कंपोस्टिंग ये तीसरा मेथड है हमने कौन से तीन तरीके के मैन्यूर्स पढ़ने हैं

उनका फेस नहीं होता पहली बात और माउथ नहीं होता है ठीक है ईट करेंगे और जो भी सब्सटेंसेस को ईट करेंगे वो इनके यहां से एक्सक्रीट हो जाएगा और ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है इनका दैट इज हाइली न्यूट्रिशियस तो इन्होंने ना बहुत सारे फायदे दिए फार्मर को पहले इन्होंने क्या किया सॉइल को लूज कर दिया ये सॉइल के ऊपर जाते जो भी ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है वो जब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पार होकर वेस्ट की फॉर्म में निकलता है दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस तो इसीलिए बोलेगा ना पुग्गू डुगू को कि भाई अपने फील्ड के अंदर अर्थवर्म्स को ला अर्थवर्म्स होने चाहिए वो तेरे दोस्त हैं उनको मार मत उनको यूज कर वर्मी कंपोस्टिंग अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर सबसे पहले तो इको फ्रेंडली है कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारे नेचर को इट हेल्प्स इन एनरिचिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर ह्यूमस होता है दैट रिटोस रिटेंस द टेक्सचर ऑफ सोइल फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर अब देखो ये हमारी फील्ड थी हमने हमारी फील्ड के अंदर क्या डाला क्रॉप के साथ साथ हमने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया है बहुत सारे मैन्योर्स हमने हमारी फील्ड के अंदर डाल दिए हैं इस फील्ड में बहुत सारे मैन्योर्स पड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अब मैन्योर की एक बात ये है कि इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल कम होगी और जो ब्रोकन सब हैं जो कि छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गए हैं वो भी पड़े हुए होंगे साथ में होंगे न्यूट्रिएंट्स। अब इस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या होता है जो भी सोइल है वो पानी को अच्छे से रोक कर रखेगी अपने अंदर सॉइल की दिक्कत ये आती है देखो फार्मर्स को कि जो पानी डाला ना वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में चला जाता है पूरे टाइम तक रहता नहीं है अपर लेयर ऑफ सॉइल में बट अगर हमने मैन्योर डाला तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी को होल्ड करके रखेगा तो जो भी क्रॉप को यहां पर पानी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगी तो इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है फॉर बेटर टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर वाटर को रोक कर रखना इट इज इको फ्रेंडली नेचर को कोई नुकसान नहीं हुआ हमने वेस्ट का भी इस्तेमाल कर लिया यार देन इसके डिसएडवांटेजेस भी है इसके डिसएडवांटेजेस पता क्या है देखो अब जो डुगू है वो पुग्गू से सीख के तो चला गया सारे मैंने और की टेक्निक बट अभी भी उस बेचारे की नाइट्रोजन की कमी पूरी नहीं हो पाई उसकी सॉइल के अंदर अब वो बहुत परेशान है वो फिर से आया के पास वो उसको बोलता है यार तुमने जो भी कहा एंड ऑल मैंने, मैंने यूज तो किया बट नाइट्रोजन यार अभी भी कम है तो उसने बोला की मैन्योर के साथ यही दिक्कत होती है मैन्योर आप लार्ज क्वांटिटीज में यूज तो करते रहते हो बट आपको नहीं पता कि उससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो पाएगी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो आपकी सॉइल के अंदर कम है मैन्योर उसको नहीं कंप्लीट कर पाएगा क्योंकि मैन्योर हमें नहीं पता ना उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं बट एक न्यूट्रिएंट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेफिशिएंट है उसकी कमी मैन्योर पूरा नहीं कर पाएगा द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन मैन्योर इज लेस एक तो न्यूट्रिय उसके अंदर वैसे ही कम है मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था न्यूट्रिय जो हमने लिस्ट बनाई थी ना अभी जो ट्रिक से याद करी थी माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिय वो कम है देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट कन्वीनियंट बिकॉज ऑफ देयर बल्कि नेचर बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए स्टोर कहाँ करके रखेंगे हमें हर बार नया मैन्योर तैयार करना पड़ेगा तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है मैन्योर के साथ ठीक है फिर भी अच्छे यूज करना चाहिए नाउ कम्स द फर्टिलाइजर्स अब फर्टिलाइजर्स कहते हैं हा कितनी भी कोशिश कर लो ऑर्गेनिक बनने की कितनी भी कोशिश कर लो बिना केमिकल्स के जीने की बट आखिर में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा इट इज केमिकल विच कंसिस्ट ऑफ सोल्ट एंड अदर फॉर प्लांट ग्रोथ जैसे मैंने बताया था अब पुग्गू कहता है सॉल्यूशन का एक ही इलाज नाइट्रोजन की इतनी कमी हो गई है हमें मार्केट जाना ही होगा और तेरी फील्ड के अंदर हमें केमिकल का इस्तेमाल करना ही होगा हम एक काम करते हैं मार्केट में जाते हैं और नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर ले आते हैं उससे तेरी सॉइल के अंदर कमी पूरी हो जाएगी नाइट्रोजन के लिए तो ये देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन फर्टिलाइजर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट इट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम या तो आपको प्योर मिलेगा या फिर कंपाउंड इनके इनके आपको मिल जाएंगे प्लांट आसानी से इनको एब्सॉर्ब कर सकते हैं दीज आर वाटर सॉल्यूबल एंड न्यूट्रेन स्पेसिफिक न्यूट्रेन स्पेसिफिक मतलब पता है यार नाइट्रोजन डाला है पता है फॉस्फोरस डाला है पता है पोटेशियम डाला है इनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है स्टोर भी किया जा सकता है छोटी छोटी क्वांटिटीज में नाउ

प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करेगा क्रॉप की वेराइटी को भी इफेक्ट करेगा इसलिए बोला जाता है कि फर्टिलाइजर्स की लिमिटेड अमाउंट को ही आपको फील्ड के अंदर यूज करना चाहिए इट कैन लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है एंड अगर ज्यादा टाइम तक हम यूज करेंगे तो सॉइल जो है वो डैमेज हो सकती है उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वट आर द डिफ्रेंसेज बिटवीन एंड फर्टिलाइजर्स तो देखो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाए एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बनाएंगे फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक है ठीक है एंड फैक्ट्रीज में बनते हैं अब जो कंटेंट है न्यूट्रिएंट्स का बट वो मैन्योर के अंदर कम है फर्टिलाइजर जो है वो न्यूट्रिय स्पेसिफिक है फर्टिलाइजर जो है उनके अंदर डोजेज अगर आप टाइम से दोगे कितना देना है उसका ध्यान रखोगे तो आसानी से ग्रो कर पाएगा एडिशन ऑफ डज नॉट रिक्वायर एनी सोर्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन कि हमने जितना मैन्योर बनाया है वो हम फील्ड के अंदर डाल सकते हैं फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं है फर्टिलाइजर्स हमें लिमिटेड ही डालने हैं देखकर डालने हैं उसके बाद एक और फायदा क्या था मैन्योर का कि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा रहा था ऑर्गेनिक मैटर से जो आपकी टॉप लेयर है सॉइल की वो पानी को इकट्ठा कर पा रही थी टॉप लेयर को हम क्या बोलते हैं ह्यूमस

कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन कि भाई नाइट्रोजन भी देना है फॉस्फोरस भी देना है पोटेशियम भी देना है तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन एक साथ यूज करें ना दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोफॉस्फेट इसमें एनआरपी दोनों आ गए अमोनियम फॉस्फेट तो अमोनिया में है NH4 और फास्फेट PO4 इसमें भी दोनों आ गया नाइट्रोजन और फास्फेट तो इस तरीके से बेटा तीनों का कॉम्बिनेशन देखो ये पैकेट ऑफ फर्टिलाइजर्स का ऐसे मिलते हैं मार्केट में NPK लिखा हुआ है ना इसके ऊपर देन इस पोटासिक पोटासिक यानी कि पोटाशियम इसके अंदर पोटाशियम सल्फेट ले लो सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि मार्केट में बिकते हैं नाइट्रोजन 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 फर्टिलाइजर्स कि कि रिच होंगे जैसे अगेन सल्फेट, नाइट्रेट ये है। हमने से स्टार्ट किया था हम प्रोडक्शन पर पहुंचे अब हम अब हम क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे हमारी क्रॉप्स को बचाएंगे हमारी क्रॉप को कैसे बचाना है पेस्ट से बचाना है सबसे पहले तो पेस्ट वो सारी बायोटिक चीजें हैं जो कि क्रॉप को हार्म करती हैं उसमें इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं वर्म्स भी 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 आ आ आ सकते 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 हैं 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 एंड बर्ड्स जो कि फील्ड को डैमेज करते चूहे वगैरह भी पेस्ट के अंदर आते हैं तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो आपकी क्रॉप को डैमेज कर रहा है उसको हम पेस्ट बोलते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स माइट्स नीमाटोर्स यानी कि ग्रुप है सारे वर्म्स एंड ऑल का रोडेंट्स कि चूहे या उससे जैसे मिलती जुलती जो होती है वो फंगस बैक्टीरिया और उसके बाद वीड्स. वीड्स क्या होते? है मैंने जो सॉइल इतनी मेहनत से तैयार करी बेटा वो अपनी मेन क्रॉप के लिए करी है उन फालतू के क्रॉप्स के लिए नहीं करी है अब दिक्कत क्या आएगी कि जो तो फालतू की क्रॉप ग्रो कर गई उसने जगह भी ले ली सॉइल से न्यूट्रिशन भी लेगी और मुझे उससे कोई फायदा भी नहीं होगा अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं ठीक है चलो नाउ कैसे प्रोटेक्ट करेगी जो सारे पेस्ट की लिस्ट बनाई है उनसे बचाओ उनसे बचाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं दवाइयां केमिकल्स अब देखो ये क्या कर रहे हैं फार्मर्स केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं बेटा फील्ड के अंदर जो दवाइयामिकल से बचाएं उनको जो दवाइयां इन पेस्ट से बचाए उनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं पेस्टिसाइड अब पेस्टिसाइड्स की अलग अलग वैरायटी है जो इंसेक्ट से बचा रहे उसको बोल देंगे इंसेक्टिसाइड जो वीड से बचा रहे उसको बोल देंगे वीडीसाइड्स जो फंगस से बचा रहे उसको बोल देंगे फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स तो कॉमन टर्म हो गई इन सब के लिए ठीक है नाउ सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पेस्ट आर द फॉलोइंग यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर देन क्रॉप रोटेशन एंड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग क्लीन समर हमने केमिकल्स का इस्तेमाल तो कर लिया ठीक है डीडीटी जैसे एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो कि मार्केट में मिलता है अब तो बैन हो गया है बिकॉज ऑफ बट डीडीटी एक तरीके का पेस्टिसाइड था और उससे काफी सारे केमिकल्स को और पेस्ट को दूर रखा जाता था अब बोला जा रहा है कि आप नेचुरली कैसे पेस्ट से बचा सकते हो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी हो तो तो हम कैसे स्टेप्स को यूज कर सकते हैं कि आप अच्छी वेराइटीज वाले प्लांट लो ना उनके ऊपर पेस्ट जल्दी से अटैक नहीं करेगा टाइम और टेम्परेचर का ध्यान दो जब आप सीड्स को सो कर रहे हो क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग जो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स का हमने इस्तेमाल देखा है वो यूज करो क्लीन कल्टीवेशन साफ सफाई रखो एंड समर प्लोइंग समर में प्लोइंग स्टार्ट कर दो मतलब सॉइल को जो तैयार करना है वो समर में कर दो सो दीज आर समेसे हम नेचुरली पेस्ट के अटैक से हमारी फील्ड को बचा सकते हैं ठीक है नाउ लेटे टॉक अबाउट वीड्स वीड्स क्या होते हैं यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं वीड्स आपको पता है दीज आर अनवॉन्टेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं एंड दे कम्पीट विद्रॉप फॉर फूड वॉटर न्यूट्रिय लाइट हर चीज के लिए तो कॉम्पिटिशन करते हैं तो कोई फार्मर क्यों चाहेगा कि उनकी फील्ड के ऊपर वीड्स ग्रो करे चाहेगा कोई नहीं चाहेगा ना अब वीड्स फिर भी ग्रो कर गए क्या सॉल्यूशन है मैकेनिकल मेथड से आप वीड्स को रिमूव कर सकते हो जैसे कि वो आती है ना खुरपी ऐसी कुछ दिखती है खुरपी खुरपी से आप मैकेनिकली यानी कि आप खुद जाकर फार्मर्स या फार्मर्स के जो भी हेल्प कर रहे हैं वो खुद जाकर फील्ड में से रिमूव कर रहे हैं वीड्स को ऐसे उखाड़ रहे हैं बेटा फील्ड से दैट इज नोन एज मैकेनिकल मेथड जिसको अप रूटिंग बोलते हैं यानी कि रूट से ही जड़ से ही निकाल देना वीडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी या फिर इसको हैरो बोलते हैं ये अलग अलग तरीके से आते हैं तो ये भी है एक ऐसा भी होता है ना इससे अच्छे से अपरूटिंग हो पाएगी अच्छे से कोई भी प्लांट है वो रिमूव हो पाएगा एंड बर्निंग एंड फ्लडिंग ऑल्सो जान के जहां पे आपको लग रहा है एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड पर बहुत सारी वीड्स है तो फार्मर उस जगह को जला देते हैं उससे क्या होगा सारी वीड्स वहां से हट जाएंगी देन कल्चरल मेथड क्या होता है कि आपने पहले से ही ये ना एक प्रिवेंटिव तरीका है कि आपने पहले से ही ध्यान रखा कि वीड ग्रो नहीं करनी चाहिए क्या वो तरीका है कि आपने सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर किया क्रॉप्स के लिए बेड क्या है उनकी सॉइल तो बेड प्रिपरेशन अच्छे से करी यानी कि soil को अच्छे से प्रिपेयर किया टाइम से आपने बीज को डाला क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जैसे methods यूज करें तो भी आप से भी भी आप से 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 बचा सकते हो बचाने बचाने का तरीका था, वीड से भी यही बचाने का तरीका तरीका था यही है उसके बाद लास्ट में हमें जाना पड़ता है कुछ केमिकल मेथड्स की तरफ तो केमिकल केमिकल मेथड्स यानी कि यूज ऑफ विडिसाइडी को हर्बिसाइड्स भी बोलते हैं केमिकल वीड किलर्स आर स्प्रेड ऑन टू डिस्ट्रॉय फॉर एग्जाम्पल टू फोर डी टू फोर डाइक्लोरो है जो हम फील्ड के अंदर डाल सकते हैं और वीड्स ग्रो नहीं करेंगे सो देर आर थ्री मेथड बेसिकली वीड्स को रिमूव करने के लिए वन इज मकैनिकल मेथड कल्चरल मेथड एंड थर्ड वन इज द केमिकल मेथड कि ही आपने यूज कर लिया क्या करते हैं? देखो इसके अंदर intentionally आप ऐसे वगैरह को डाल देते हो वो उस को ही खाएगा आपके मेन क्रॉप को कुछ भी नहीं खाएगा तो आपने खुद इंसेक्ट को इंसर्ट किया अपनी फील्ड के अंदर दैट इज वाई दिस मेथड इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल क्योंकि हम जान के ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इन्वेड करा रहे हैं जो कि वीड को अटैक करेगा

हमने अब बचा भी लिया प्रोटेक्शन में हमने बचाया पहले तो जब वो फील्ड के ऊपर थी उस टाइम पर हमने प्रोटेक्शन दी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया फंगीसाइड्स का छिड़काव किया अब हमें स्टोरेज के टाइम पर प्रोटेक्शन करनी है हार्वेस्टिंग तो कर लिया है हमने अब जहां पर हम उसको स्टोर करेंगे ना हमारी क्रॉप्स को वहां पर हमें ध्यान देना है क्या ध्यान देना है मोस्ट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ओनली वंस सी वन साइय बहुत सारी क्रॉप सिर्फ साल में एक ही बार हार्वेस्ट की जाती है अब हमें उनको पूरा साल चलाना है तो स्टोर तो करके रखना पड़ेगा इसीलिए हमें अलग अलग लेवल पर स्टोरेज करनी पड़ती है पहली है प्रोड्यूसर लेवल पर स्टोरेज करना प्रोड्यूसर लेवल पर जैसे कि मैंने डुगू और पुग्गू वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो उन्होंने ही अपने गोडाउन में अपने आसपास अपने घरों में कहीं क्रॉप्स को स्टोर करके रख लिया ठीक है सबसे पहले है बेटा एट प्रोड्यूसर लेवल ठीक है फार्मर लेवल दूसरा है एट ट्रेडर्स लेवल ये यह यहाँ पर इसी को हम टू पॉइंट बोलेंगे ट्रेडर्स लेवल पर भी स्टोरेज की जा सकती है जैसे कि जो फार्मर से लेकर मार्केट तक उस क्रॉप को पहुंचा रहे हैं वो ले जाएंगे और स्टोर करेंगे अपनी जिम्मेदारी पर इसीलिए बोला गया ट्रेडर्स लेवल अब वो क्या करते हैं बोरिया होती है ना इस तरीके से गनी बैग्स उनके अंदर क्रॉप्स को स्टोर कर लेते हैं तीसरा तरीका है एट एफ सी आई लेवल दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिस इज डन बाई गवर्नमेंट बेटा गवर्नमेंट के गो वगैरह होंगे और वहां पर क्रॉप्स को स्टोर किया जाएगा तो तीन लेवल्स पर स्टोरेज की जा सकती है डुगू और पुग्गू फार्मर से अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं अपने आसपास उन्होंने करा हुआ है या फिर जो उनसे मार्केट में उनसे खरीद कर मार्केट में क्रॉप पहुंचा रहा है दैट इज नोन एज ट्रेडर्स लेवल एंड लास्ट में आ गया एफ सी आई लेवल यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से

बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट नहीं होगा मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस नहीं इनफैक्ट In इंसेक्ट्स का भी एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं तो आप एक काम याद रखो आप ना सिर्फ आ, याद कर सकते हो दैट लोअर टेम्परेचर पे ये वाला पॉइंट कि हमें ना स्टोरेज जो करनी है वो लोअर टेम्परेचर पे करनी है थर्टी डिग्री सेल्सियस पे आप स्टोर करके रखो अपनी क्रॉप्स को उस टाइम पे इंसेक्ट्स का इन्वेजन नहीं होगा इंसेक्ट से आप बचा कर रख सकते हो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इसका क्या मतलब है जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको नमी बहुत पसंद है पानी बहुत पसंद है अगर आसपास मॉइस्चर ज्यादा है क्रॉप्स के तो वहां पर फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी बैक्टीरियाज बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे तो आपको मॉइस्चर से बचाना है ड्राई करके रखना है क्रॉप्स को ड्राई करने से उनके अंदर पानी आसानी से नहीं जा पाएगा एंड क्रॉप्स लंबे टाइम तक स्टोर की जा सकती है ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम पॉइंट ह्यूमिडिटी क्योंकि बारिशों के मौसम भी आएंगे बीच में वहां पर भी आपको क्रॉप्स को स्टोर करके रखना है सो so, अगर आप टेम्परेचर को नॉट टेम्परेचर अगर आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रख रहे हो या ह्यूमिडिटी से बचा रहे हो अपनी क्रॉप्स को देन आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो ठीक है बेटा यही लिखा हुआ है इसके अंदर देन नेक्स्ट वुड बी And measures, अब हम कैसे बचा सकते हैं अगेन वो सारे के सारे जो नुकसान वाले फैक्टर्स थे ना कि कर दो बिल्कुल हार्वेस्ट करते करने के बाद ही जो उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है हार्वेस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट वेरीज फ्रॉम 15 टू 30 परसेंट बट फॉर सेफ स्टोरेज अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 14 परसेंट देखो अगर उनके अंदर पंद्रह परसेंट से ज्यादा मॉइस्चर है तो ज्यादा खतरा है डैमेज होने का तो उनके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट फोर्टीन परसेंट होना चाहिए आप ड्राई कर दो उनको क्या करते हैं ड्राइंग के लिए आपने काफी बार देखा होगा जो रूरल एरियाज में बच्चे रहते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि यार जो क्रॉप्स निकलती है हार्वेस्ट होती है उनको बहुत लंबे लंबे शीट्स पर धूप में रखा जाता है

साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे तो सेम प्लांट्स के साथ है फिर है सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज अब इसमें क्या होता है क्लीनिंग में ही आ जाता है ये इसमें बेटा प्रॉपरली क्लीन किया जाएगा ड्राई रखा जाएगा एरिया को क्यों, क्योंकि ड्राई नहीं होगा तो फिर अगेन मॉइस्चर वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं से कुछ लीक नहीं होना चाहिए गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा वॉल्स के अंदर एंड यहां पर भी ना हम क्या करते हैं फ्यूमिगेशन करते हैं फ्यूमिगेशन ये आएगा आगे फ्यूमिगेशन में आपको बताती हूँ तो यहाँ पर भी ना हम थोड़ा सा दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं जैसे मम्मी अगर हमें लगता है घर में ज्यादा मच्छर आ रहे हैं मक्खी आ रहे हैं तो मम्मी फिनाइल का पोचा लगाती है फिनाइल से साफ करती है तो ऐसे भी हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ आस पास वॉल्स और फ्लोर को क्लीन रखने के लिए सो दैट कम्स अंडर सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज लास्ट केमिकल स्टोरेज केमिकल कंट्रोल इसमें क्या होता है कि हमने जो बोरिया रखी है जिसमें सामान को पैक करा है उसके अंदर भी हम केमिकल्स का छिड़काव कर सकते हैं जो पेस्टिसाइड्स हम फील्ड में डाल रहे थे वो हम स्टोरेज वगैरह के अंदर जो स्टोरेज गोडाउन और वेयर हाउसेज है वहां पर भी कर सकते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली उन्हीं ऑर्गेनिज्म से बचाना है हमारे क्रॉप को तो वहां पर भी बेटा हम छिड़काव करते हैं गनी बैग्स के ऊपर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज फ्यूमिगेशन ये इंपॉर्टेंट है फ्यूमिगेशन में क्या होता है कि देखो ओके दीज आर द एग्जाम्पल्स एक ये चीज देख लो बी एच सी मेलाथियन एंड पायरिथिर एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिस छिड़क सकते हैं नाउ केम दूमिगेशन फ्यूमिगेशन क्या होता है दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल जिसमें से फ्यूम्स निकलेंगी और उस फ्यूम से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाएंगे और प्रोटेक्शन हो जाएगा फ्यूमिगेशन इज द पेस्टिसाइड जो कि इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं फ्यूम से उस से उसमें जो गैस निकल निकल रही है जो जो बबल्स रहे हैं खुशबू निकल रही है, है उससे डैमेज हो जाएगा आपका पेस्टिसाइड चाहे वो इंसेक्ट है चाहे वो रोडेंट है या फिर कोई लिजर्ड है वॉट एवर इट इज फ्यूमिगेन सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं गैसियस भी हो सकते हैं जैसे हम हमारे घरों में नैप्थिलीन बॉल यूज नहीं करते उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो नैप्थलीन बॉल चूहों को मच्छरों को दूर रखता है बेटा इसलिए हम हमारी अलमीरा के अंदर काबर्ड के अंदर बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें डालते हैं तो सेम फ्यूमिगेशन यही होता है अब एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक सॉलिड सौ। फ्यूमिगेंट है इसको ब्लैक पॉइजन भी बोलते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड एक एग्जाम्पल है जो कि एक तरीके का लिक्विड फ्यूमिगेंट है मिथाइल ब्रोमाइड एक तरीके का एग्जाम्पल है जो कि गैसियस फ्यूमिगेंट है तो तीनों तरीके से अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर और यूज किया जा सकता है इसको जैसे देखो दीज आर फ्यूमिगेंट्स बेटा यूज किया जा रहा है इसको वेयर हाउसेस के अंदर ठीक है अब थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराना चाहती हूँ क्योंकि हम अब हमारा क्रॉप वाला पूरा प्रोजेक्ट पढ़ चुके हैं यानी कि क्रॉप की वेराइटी क्रॉप की प्रोडक्शन और क्रॉप की प्रोटेक्शन हम कर चुके हैं अब हमें स्टार्ट करना है एनिमल बट वो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं विच वन इज एन यील्डिंग प्लांट इनमें से कौन सा है जो कि ऑयल देगा

तो आयरन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म फर्टिलाइज़र्स एनपी की अवेलेबल है Next, देखो, मतलब एक के अंदर, के अंदर. कि हम रोज के हिसाब से लाइन के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं तो ऐसी क्रॉपिंग मेथड को क्या बोला जाता है अगर आप सोच रहे हो इंटर क्रॉपिंग तो वेरी नाइस इंटर क्रॉपिंग में ही हम अलग अलग वेराइटीज को ऐसे रो में ग्रो कर रहे थे

सो दैट्स इट बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनिमल हजबेंड्री उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है तो आपने देख लिया कि क्रॉप को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है एज अ फार्मर आपको कैसे इंप्रूव इंप्रूव करनी करनी है production improve है प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन करनी है अब हम एक और बिजनेस पर जा रहे हैं दैट इज एनिमल यानी कि वी आर गोइंग टू डू रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन दिस केस एनिमल हजबेंड्री होता क्या है ये भी एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है दैट डील्स विद द फीडिंग Feeding मतलब खाना खिलाना, विदाउट वेस्ट वैसे मतलब क्या है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें वेस्ट ना करें दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल हजबैंड्री तो यानी कि अब आप इमेजिन करो कि अब आपको मार्केट में मिल्क सेल करना है एग सेल करना है मीट देना है तो आप किस तरीके से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करोगे उनकी क्या क्या केयर क्या करनी होगी आगे देखते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा कैटल फार्मिंग कैटल फार्मिंग के अंदर काउस और बफेलोज आ जाती है जैसे कि हमारी इंडिया की भी कुछ ब्रीड्स होंगी क्योंकि एग्रीकल्चर तो बहुत सारी कंट्रीज में हो ही रहा है ना इंडिया so, के अंदर कौन सी कैटल है मेनली काओ एंड बफेलो गोट का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बट मेनली बफेलोस का इस्तेमाल किया जाता है दीज आर नेक्स्ट टू लर्न इन यूज फॉर फार्मर्स ह्यूमन मींग्स डोमेस्टिकेट फॉर मतलब इनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाले हैं मिल्क इनकी स्किन से हमें लेदर मिलता है एंड देर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो बुल होते हैं दे आर वेरी बल्कि एंड ह्यूज इन साइज तो उनकी स्ट्रेंथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑल्सो अगर आपने कुछ मूवीज देखी होगी जिसमें आ, आपको फार्मिंग करते हुए दिखाया होगा तो उसमें देखते हैं ना कि बुल का इस्तेमाल करते हैं सॉइल के सॉइल को लूज करने में सॉइल को टिलिंग करने में सो so, ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है कैटल रेजिंग इज डन टू फिल द फुलफिल द स्पेसिफिक नीड्स फॉर डेयरी ये डायरी नहीं होगा डेयरी होगा डेयरी मतलब मिल्क 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 और और के प्रोडक्ट्स हमें जो 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 मिलते हैं आप आप पनीर खाते हो आप जो पीते हो पीते जितने भी से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं कार्ड एंड ऑल ये मिल्क से ही आया ना कैटल से ही आया इनफैक्ट ठीक है उसके बाद ड्रॉट और ड्यूअल पर्पज ऑफ ब्रीड अब नाउ यू आर गोइंग टू सी कि इनका क्या क्या फायदा होता है देखो जैसे एक स्पीशीज है, सारे आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं बट ब्रीड क्या होता है ब्रीड जैसे जर्मन ब्रीड। हस्की ब्रीड। ऐसे बहुत सारी डॉग्स की ब्रीड होती है ना सेम तरीके से हमारे पास भी अलग अलग एनिमल्स की ब्रीड होती है जिनके कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीआर में दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं ब्रीड की डेफिनेशन क्या है ब्रीड वो ग्रुप है एनिमल्स का जिनका ओरिजिन तो कॉमन होगा मतलब एक ही स्पीशीज के सारे पार्ट होंगे बट उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं जैसे कि बॉडी का साइज बॉडी का कलर हेयर का कलर ईटिंग हैबिट्स थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डिफरेंट हो सकते हैं फिर आपको बात करनी है बेटा ड्रॉट ब्रीड्स की ड्रॉट ब्रीड क्या होती है जैसे काओ और बफेलोज में ही ड्रॉड ब्रीड निकल कर आएगी ये मिल्क कम देंगे और हम इनसे मीट ऑपटेन करेंगे तो ड्रॉट ब्रीड का मतलब क्या होता है जिनका हम मीट ऑप्टेन करें एंड क्योंकि वो मिल्क बहुत तो इसीलिए so, ना हम इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया सॉइल को जब प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले सॉइल को लूज किया जाता है सीड्स डालने से पहले भी सॉइल के बेड को तैयार किया जाएगा उसमें इन एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं इरीगेशन यानी कि फील्ड के अंदर पानी देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कार्टिंग के लिए बुलो कार्ड देखा है ना आपने उसके अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं इसके बाद दूसरी आती है डेयरी ब्रीड्स या फिर इनको ना हम मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं मिल्क एनिमल्स डेयरी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम मिल्क ना मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए हम इनसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं इनको डोमेस्टिकेट करते हैं

जिनको हम मीट के लिए यूज करते हैं एंड डेरी ब्रीड जिनको हम मिल्क के लिए यूज करते हैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ब्रीड वी आर यूजिंग और डोमेस्टिकेटिंग वन ड्रॉट ब्रीड्स दीज आर फॉर मीट एंड अदर वन इज डेरी ब्रीड या फिर मिल्क एनिमल्स भी बोल सकते हैं इनको दीज आर पर्टिकुलरली यूज फॉर मिल्क नेक्स्ट अब देखो अब आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं एनसीआरटी वाले वो मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिजेनस ब्रीड कौन सी होती है हमारे इंडिया की ब्रीड हमारी नेटिव ब्रीड तो कुछ इंडिजेनियस ब्रीड्स हैं जैसे कि यहाँ पर बात करें डेरी काउस की दीज आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स जो आपको एनसीआर में नाम दिए हुए कुछ ऐसी दिखती है हमारी काउस एंडेलोस ये बफेलो है ये है पहचान पा रहे हो ना सो so, हमारी इंडिजेनियस ब्रीड्स कौन कौन सी है सबसे पहले तो पढ़ना है आपको रेड सिंधी कुछ ऐसी दिखती है ये ना आंध्र प्रदेश की साइड ज्यादा मिलती है हरियाणा पंजाब की साइड नहीं मिलती है सो so, अब ये इसकी इसका नाम रेड सिंधी क्यों रखा हुआ क्योंकि इनकी बॉडी का कलर थोड़ा थोड़ा रेड लग रहा है ठीक है सो दिस इज मीडियम साइज रेड इन कलर विद डार्क एंड लाइट रेड शेड तो रेड सिंधी कुछ ऐसी दिखती है उसके बाद दूसरी जो हमारी इंडिया की ब्रीड है दैट इज साहिवाल ये जो साहिवाल ये जो साहिवाल ब्रीड है ये और का और भी ज्यादा बेटर है बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है इनका जो बॉडी है वो बड़ा है एंड ऑल्सो दे आर गुड एट गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क ये हमें बहुत ज्यादा मिल्क देंगे तो हम ऐसे ही जो फार्मर्स होंगे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ऐसी ही काउस को प्रेफर करेंगे ना जो लार्ज अमाउंट में मिल्क दे सके सो वन इज शाही ये हमें मिल जाती है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर आंध्र प्रदेश में तो आपको मिल जाएगी रेड सिंधी और हमारे हरियाणा पंजाब वाली साइड आपको मिल जाएगी साहिवाल नेक्स्ट एक और है इज़ गिर नाम से ही पता चल रहा है गिर ये आपको गुजरात में मिलने वाली है गुजरात की काउ है बेसिकली एंड मीडियम साइज की होती है अच्छा खासा हमें मिल्क दे देती है इसका भी इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वन इज ब्रीड ऑफ बफेलोज बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड है आपके घरों में या तो काउ का मिल्क का आता होगा या फिर बफेलो का मिल्क आता होगा वट इज द डिफरेंस काउ का जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है और जो बफेलो का मिल्क होता हैुर्रा इज वन ऑफ द ब्रीड ऑफ बफेलो ये आपको हरियाणा और पंजाब में आराम, आराम से देखने को मिलती है आपने देखी भी होंगी मोस्टली है ना जो हमारे नॉर्थ वाले बच्चे होंगे उन्होंने देखी होगी इसके जो सेंग होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे कर्व शेप के होते जो इसके हॉर्न से दोस टाइटली कर्व्ड बेसिकली ये इसकी पहचान है ये भी मिल्क देने के लिए यूज की जाती है उसके बाद है महसाना ये जो ब्रीड है दिस इज स्पेशली फ्रॉम गुजरात अगेन वडोदरा में आपको मिलेगी एंड इट इज अ क्रॉस बिटवीन मुर्रा एंड सूरती ब्लैक और ग्रे कलर का अपीयरेंस होता है बेसिकली इसका तो आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं जैसे एक बार आपको जल्दी से रिकैप में कराना चाहूंगी यहां पर फिर से आ जाओ इंडिजेनस ब्रीड ऑफ काउस रेड सिंधी इज देयर साहि वाल इज देयर एंड गिर काउ इज देयर उसके बाद बफेलोज की बात कर रहे हैं बफेलोज में सबसे पहले कौन सी है मुर्रा उसके बाद मेहसाना एंड लास्ट वन विल बी सूरती नाउ ये जो है इट इज फाउंड अगेन इन गुजरात ब्लैक और ब्राउन अपियरेंस होता है इसका इसके हॉर्न्स बिल्कुल कर्व नहीं होते सिकल शेप होते कुछ ऐसे सिकल शेप ऐसी शेप को क्या बोलते हैं सिकल शेप बोलते हैं तो इसके हॉर्न्स सिकल शेप वाले होंगे तो आप देखकर पहचान सकते हो कि कौन सी ब्रीड है काओ की या बफेलो की है ना

खुद चूज कर सकते हैं मेल और फीमेल को विद विदर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और उनको हम क्रॉस करा देंगे एंड हमारे पास जो नई वेराइटी आएगी उसमें दोनों पेरेंट्स की बेस्ट क्वालिटीज आने वाली है जैसे कि मान लो हमारी इंडियन काओ अच्छा एक मिल्क प्रोडक्शन देती है बट कोई एक्जॉटिक ब्रीड है एक्जॉटिक ब्रीड का मतलब है किसी बाहर की कंट्री दूसरी कंट्री की जो ब्रीड होगी अब उन दोनों को अगर हम क्रॉस करा देंगे

अब हम ये क्रॉस कैसे कराते हैं बेसिकली हम सिमेन एक्सट्रैक्ट करते हैं व्हाट इज सिमेन सिमेन इज बेसिकली सिमेन कैरीज मेल गैमिट, यानी कि सिमेन के अंदर स्पर्म्स होंगे और स्पर्म्स की हेल्प से जो फीमेल काऊ है हम उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं तो वी जस्ट एक्सट्रैक्ट द सिमेन और ये सिमेन हम आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं काऊ के अंदर एंड देन रिप्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनकर आएगा जो नया काफ जो निकलकर आएगा दटविलीज क्वालिटी अब इसकी डेफिनेशन देखो द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग दिमिन ऑप्टेन्ड फ्रॉम डिजायड मेल डिजायर्ड मेल बुल यानी कि हमने चूज किया है कि बुल की क्या क्या क्वालिटीज है जो हमें नए काफ के अंदर डालनी है of high milk yielding breed into the genital or reproductive tract of female animal during heat period is called artificial insemination. तो so, हमने basically decide किया हम male की कोई भी characteristic को जो भी हमें अच्छी लग रही है हम उस वाला semen को extract कर सकते हैं या तो उनका milk production अच्छा होगा strength अच्छी होगी disease resistance हो सकते हैं तो these are the desired characteristics जो हम choose कर सकते हैं semen extract करेंगे female के reproductive part के अंदर डाल देंगे and then the artificial insemination will be completed. But एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि उस heat period होना चाहिए What is heat period? Heat period वो होता है काउस का जब eggs body के अंदर ready होते हैं तो eggs जब होंगे तभी तो fertilization होगा ना So heat period is the period जहां पर eggs body के अंदर female cow की body के अंदर ready होंगे

सिमिन को स्टोर कर सकते हो अपनी डिजायर्ड क्वालिटी को चूज करके जो भी बुल आपको चाहिए उनका सिमिन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बना सकते हो बेटर क्वालिटी वाला इसमें नंबर ऑफ जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं हम नेचुरल ब्रीडिंग से ज्यादा आर्टिफिशियल ब्रीडिंग पर डिपेंड करते हैं आज के टाइम पे बिकॉज नंबर ऑफ न्यू ऑफ ज्यादा होंगे लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफ कैन बी प्रोड्यूस उसके बाद इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिसीजेस ऑफ द जिनाइटल ऑर्गन सी नेचुरल इंटरब्रीडिंग के टाइम पर जो भी डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं वो बच जाएंगे क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं

उसके बाद है अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनफर्टाइल बुल्स इज पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमें यह भी पता चल जाएगा कि बुल अः की जो क्वालिटी है सीमेंट की उसको भी हम पहले टेस्ट करा सकते हैं या फिर हमें यह भी पता चल जाएगा कि इट इज इनफर्टाइल इनफर्टाइल मतलब नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस स्पर्म्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं बट गुड क्वालिटी के नहीं है या फिर स्पर्म्स आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज तो उस केस में भी हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके पता लगा सकते हैं सो दीज वर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो एनिमल हजबी करने वाले फार्मर्स या लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फूड दैट वी आर गोइंग टू गिव टू आवर डोमेस्टिक

जैसे कि एग्जाम्पल्स में ग्रीन फॉर्डर आ जाएगा साइलेज सेरल्स एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं जो हमारे दाल वाले प्लांट्स होते हैं सेरल्स यानी कि राइस व्हीट मेज ये सारे सेरल्स के अंदर आ जाते हैं देन बरसीम इज ऑल्सो देर फूड लुक्रीन काओ, पी एंड अगाथी ये जो सारे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर फाइबर होता है इनका बड़ा सा क्लीन रखने के लिए फाइबर ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है ताकि इनका पेट भी भर जाए अब फाइबर के जो क्रॉप होते हैं उनको क्या बोलते हैं फॉर्डर क्रॉप जैसे की ओट्स बरसीब दीज आर वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ रफिज इसके अलावा जो सैरते हैं उनके स्ट्रॉ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है जो जो सूखी होती है है ना स्टेम जो काम की नहीं है। जैसे कोई वीट ग्रो करेगा तो वीट के तो मार्केट में सेल कर देगा बट उसका जो सारा स्टेम बच गया है वो इनके खाने के काम आ जाएगा हिंदी में इसको हम चारा बोलते हैं है ना गाय भैंस का चारा उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज कंसेंट्रेट अब जो कंसनट्रेट है उसके अंदर क्या होता है These are low in fiber and जो बाकी न्यूट्रिय हैं जैसे कि विटामिन हो गया मिनरल हो गया प्रोटीन हो गया हमें जिस तरीके से खाना चाहिए हमें एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए मसल बिल्डिंग फूड प्रोटीन भी चाहिए विटामिन मिनरल्स भी चाहिए सेम तरीके से को भी खाना चाहिए होता है तो हमें उनको अच्छे से फीड करना होगा जितना अच्छी क्वालिटी का खाना हम इनको देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का मिल्क हम इनसे ले पाएंगे था, तो को रखेगा, इन का पेट भरेगा लार्ज अमाउंट में फाइबर डाला जाता है कंसेंट्रेट का मतलब क्या होता है न्यूट्रिय रिच फूड इसमें फाइबर कम होगा बाकी न्यूट्रिय ज्यादा होंगे जैसे कि प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होंगे फॉर एग्जाम्पल देर इज पैलेटर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल इन सब के अंदर रिच होता है तो टू टाइप्स ऑफ फूड याद हो गए रफिंग एंड कॉन्सेंट्रेट इसके बाद देखो बेटा डिसीजेज ऑफ कैटल एंड बलोज अब होता क्या है कि अगर आप शेल्टर की क्लीनिंग नहीं करोगे जैसे हम बीमार पड़ जाते अगर हम आसपास सफाई ना रखें गंदे एरिया में रहें हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे ना सेम तरीके से इनको भी डिसीजेज हो सकते हैं एंड इनकी प्रॉपर क्लीनिंग, इनके आसपास की प्रॉपर क्लीनिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होगी आपने देखा भी होगा जो लोग डोमेस्टिकेट करते हैं ऐसे एनिमल्स को वो रेगुलर उनको नहलाते हैं ब्रशिंग करते हैं उनकी बॉडी की उनके हेयर को क्लीन रखते हैं उनके आसपास के एरिया की सफाई रखते हैं क्योंकि इनको भी पैरासिटिक डिसीजे हो सकते हैं अब पैरासिटिक कौन से होते हैं वो पैरासाइट जो कि इन ऑर्गेनिजम्स की या तो बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेंगे या फिर इनकी इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे और वहां रहना शुरू कर देंगे और इनको बीमार कर सकते हैं अब देखो कौन कौन से पैरासिटिक डिसीजेज हैं ये पैरासिटिक डिसीजेज एक्सटर्नल भी हो सकते हैं इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, बाहरी स्किन के उपर, के स्किन के के ऊपर इनकी 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 बॉडी हेयर में, में, जाकर इनको बीमार करेंगे ठीक है सो आपने बहुत ये ये जुए देखी होंगी सबने लाइस बोलते हैं टिक्स बोलते हैं ऐसी बहुत सारी वेराइटी होती है ये पैरासाइट्स है ये इन एनिमल्स के ब्लड के ऊपर तो ये आपको इस एरिया में मिल जाएगी कैटल्स के उसके बाद लिटिल ब्लू कैटल लाउज ये आपको कहा मिलेगी फेस और चीक एरिया में लॉन्ग नोज कैटल लाउज ये आपको बैक शोल्डर दिउलाप uh, वाले एरिया में मिल जाएगा देन कैटल बाइटिंग लाउस ये उसकी टॉप लाइन पर मिल जाएगी सो बेसिकली देयर आर एक्सटर्नल पैरासिटिक डिसीजेस जो इनकी स्किन पर माउथ पर इनके शोल्डर पर मिलते हैं एंड इनको बीमार कर सकते हैं देन सम आर इंटरनल पैरासाइट्स जो इनकी गट में रहेंगे इनके इंटेस्टाइन के अंदर रह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वर्म आपने ह्यूमंस के केस में भी सुना होगा द वर्म नेम इज एस्कैरिस एस्कैरिस एनिमल्स yes, की इंटेस्टाइन में भी जा सकता है अगर आप इनको साफ खाना नहीं दे रहे हो इनके आसपास साफ सफाई नहीं है तो ये वर्म्स बिटाइन इंटेस्टाइन के अंदर जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये लोग वर्म्स खाना शुरू कर देंगे ये जो वर्म्स होते हैं ना इनके एग्स रह जाते हैं खाने के अंदर आसपास जो गंदा एरिया है वहां पर इनके एग्स होते हैं वो एग्स इतने छोटे होते हैं कि नेकी डाइट से दिखते नहीं है तो इनके खाने में आ जाएंगे और फिर इनके पेट में चले जाएंगे एंड वहां पर ये ग्रो करना शुरू कर देंगे एंड बीमारी फैलाएंगे ठीक है सो देर आर सम्लूक्स ऑल्सो जैसे कि फेसियोला जाइगेंटिका इंटरनल पैरासाइट parasites, parasites, जो इनको बीमार कर सकते हैं इनके लिवर को डैमेज कर सकते हैं अच्छा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चले कि हमारा एनिमल जो है डोमेस्टिकेटिंग जो जो भी एनिमल है जो है स्टॉक वो बीमार है आ, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं दे स्टॉप ईटिंग उनको भूख नहीं लगती उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा अगर आई में कोई इन्फेक्शन है माउथ में कोई इन्फेक्शन है उनकी कंटिन्यूसली आईज में से वॉटर निकलता रहता है सो आर सर्टेन सिम्टम्स जिससे हमें पता चल सकता है ब्लिस्टर्स uh, हो जाते हैं ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले तो जो इनकी यहाँ नीचे काश वाला एरिया होता है वहां पर छाले हो जाते हैं सो दीज आर सिम्टम्स जिससे हमें पता चलेगा that they are sick. कुछ इस तरीके से दिखते हैं बेटा फुट एंड माउथ डिसीज होता है अगर किसी कैटल या किसी भी कैटल को तो उनका जो हैंड्स और लेग्स होते हैं उसके बॉटल एरिया में ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे अगर फ्लीज किसी की बॉडी पर है कैटल की तो वो आपको इस तरीके से दिखते हैं So these are certain examples of diseases जो बहुत बीमार कर सकते हैं हमारे इन एनिमल्स को नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग अभी इससे पहले हमने ना एनिमल हस्बैंड में कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा कैटल फार्मिंग में आपने क्या क्या सीखा एक जल्दी से क्विक रिवीजन ले ले उसके बाद आपने देखा इंडिजिन कौन सी थी एंड देन रेड अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्योंकि हमें मिल्क की वेराइटी को इम्प्रूव करना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज लाइक हाइब्रिडाइजेशन जो हमने करा था फूड ग्रेन के केस में हम दो डिफरेंट वेराइटीज का क्रॉस करा रहे थे ना तो यहाँ पर हम कैसे क्रॉस करा सकते हैं लेकर करा सकते हैं क्योंकि हमें जो offspring चाहिए उसकी बेस्ट क्वालिटी हम हमारे डिजायर्ड क्वालिटीज वाले पेरेंट्स को चूज करके बना सकते हैं उसके बाद अगर हम इन एनिमल्स से जो भी मिल्क ले रहे हैं हमारे आसपास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं तो हमें इनके शेल्टर को क्लीन रखना होगा इनकी डाइट का ध्यान रखना होगा यानी कि इनकी फीडिंग का ध्यान रखना होगा दो टाइप्स के फूड हमें इनको देने हैं पहला है राफिज जो कि बहुत ज्यादा फाइबर वाला फूड है जैसे कि बरसीब ओट्स एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स आल्सो उसके बाद हमने बात करी थी कॉन्सनट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेट में फाइबर कम होता है बट इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय प्रोटीन्स ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है विटामिन मिनरल ज्यादा है तो ये प्रॉपर डाइट हमें, हमें करनी होगी फिर बैक्टीरियल डिस जैसे, जैसे डिसीजेस से बचे रहे डन अब हम बात करने वाले पोल्ट्री फार्मिंग की पोल्ट्री फार्मिंग अब आपका एक ऐसा इमेजिन कर लो कि डुगू का नया बिजनेस है अब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होगा बर्ड्स को बर्ड से हम क्या क्या ऑप्टेन कर सकते हैं एक तो मीट ऑफ कोर्स और दूसरा हम उनसे ऑप्टेन कर सकते हैं उनके एग्स तो काफी ला, मतलब काफी लार्ज अमाउंट में हम मार्केट में देखते हैं कि एग्स का इस्तेमाल हो रहा है हम लोग काफी ज्यादा एग्स पर डिपेंड करते हैं एंड देन मीट ऑल्सो बर्ड मीट ऑल्सो ठीक है सो पोल्ट्री वर्ड का मतलब क्या है बर्ड ही है इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड पोल्ट जिसका मतलब होता है चिकन जिसका मतलब क्या होता है चिकन

एगर और लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दो तरीके के हमारे पास बर्ड्स होते हैं एक होते हैं लेयर्स 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 को एगर्स भी बोलते हैं सो so, जो लेयर्स दे आर दे एग लेइंग एनिमल्स एग लेइंग बर्ड्स एग लेइंग बर्ड्स एंड दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी होती है स जो है वो हमें चिकन देते हैं मीट देते हैं मीट नाउ रीड दिसन एंड एगलेंग पोल्ट्री इज कॉल्ड एगर और लेर एंड द पोल्ट्री रियर्ड फॉर ऑप्टेनिंग मीट इज कॉल्ड चिकन और ब्रॉयर क्या ये आपको अभी याद हो गया एगलेंग आर लेस आर यूज फॉर गिविंग एस मीट ठीक है तो पूरा जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि लेयर्स कौन से हैं है, और अब हमें किस तरीके से इनकी पोल्ट्री फार्मिंग करनी है अब सेम हमें ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं जो हमारी कंट्री में मिलती हैं सबसे पहले आ गया असील असील चिटागोंग गागूस एंड बुसरा ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ये असील है बेटा ये हमारा इंडिया का ब्रीड है एंड दिस वन इज बुसरा ये हमारे इंडिया में मिलने वाली ब्रीड्स है बर्ड्स की उसके बाद एक्सॉटिक ब्रीड्स एक्सॉटिक मतलब हमारे इंडिया की नहीं है बाहर की कंट्रीज की है सो so, कौन सी है सबसे पहले तो है वाइट लेगहॉन वाइट लेगहॉन ये दिख रहा है आपको इसका नाम वाइट लेगहॉन क्यों रखा होगा ये भी अब आपको समझ आ गया कितना वाइट है यार वाइट लेगहॉन और जो दूसरी है दैट इज रोड आइलैंड रेड रोड आईलैंड रेड ये दोनों ही एक्सॉटिक ब्रीड है अब इसका क्या फायदा है देखो व्हाइट लेगहॉन का क्या फायदा है इट प्रोड्यूसेज लॉन्ग वाइट एग्स ये जो एक्सॉटिक ब्रीड है ना व्हाइट लेगहॉन ये लॉन्ग और बहुत ज्यादा वाइट एग्स हमें देती है दूसरा रोड आइलैंड रेड इसका क्या फायदा है ये ड्यूअल टाइप की ब्रीड है ड्यूअल मतलब दो फायदे दो चीज़ें इसके अंदर है एक तो ये एग बहुत अच्छे देती है फेयरली गुड एग लेयर एंड दूसरा मीट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इसका यानी कि ये एगर भी है और ब्रॉयलर भी है इससे एग भी बहुत अच्छे मिलेंगे और मीट भी बहुत अच्छा मिलेगा है ना So, these are two exotic breeds. Indigenous breeds कौन सी देखी हमने असील एंड बुसरा अदर एग्जाम्पल्स आर चिट्टागॉन्ग एंड घगूस नाउ हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दियर वेराइटी अब हमें इंडिजेनस और एग्जॉटिक ब्रीड दो अलग अलग वेराइटी के बारे में पता चल गया

अब उससे क्या होगा पहला फर्क जो पड़ेगा दैट इज ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्वालिटी ऑफ ऑफ नंबर हमारे पास ज्यादा होंगे उनकी अच्छी होगी जल्दी से बीमार नहीं होंगे अगर वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है गर्मी बहुत पड़ रही है जैसे हमारे इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है ना समर्स के टाइम पर तो उस टाइम पर बहुत सारे चिक्स बीमार हो जाते हैं हमें अगर हम उनकी क्रॉस क्रॉसिंग करा रहे हैं इंटरब्रीडिंग uh, करा रहे हैं तो उस टाइम पर जो नई बेहतर क्वालिटी वाले चिक्स आते हैं ना वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन फॉर समर अडैप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेंपरेचर वही लिखा है कि ऐसे हमारे पास नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं जो कि समर अडैप्ट जो समर को अडैप्ट कर सकते हैं ज्यादा टेंपरेचर को टोलरेट कर सकते हैं ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन ब्रॉयलर क्या होता है जो कि हमें क्या दे मीट दे, ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अगर हमें एग्स नहीं चाहिए देखो डिपेंड करता है कि हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। एक होता है कि हम चाहते हैं हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के एग्स मिले तो उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे हम जो फीमेल बर्ड है उसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे कि वो हमें लार्ज अमाउंट में एग्स दे सके ठीक है अगर हम मीट पर फोकस कर रहे हैं हम ब्रॉयलर्स पर फोकस कर रहे हैं तो हम ज्यादा ध्यान रखेंगे उनकी डाइट का क्योंकि जो वो डाइट लेंगे वही न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे एंड जो मीट बनेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो डिपेंड करता है कि हम किस को आ, किस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या हम लेयर्स को यूज कर रहे हैं क्या हम ब्रॉयलर को यूज कर रहे हैं

लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट लो मेंटेनेंस क्यों बिकॉज दे आर एबल टू टॉलरेट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन जो भी इनके आसपास चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे से देख पाएंगे झेल पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पिसी कल्चर. पिसी कल्चर. ये जो पिसी वर्ड आया है ये पाइसिस से आया है पाइसिस पाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा मछली फिश कल्चर मतलब प्रोडक्शन अभी हम बात रहे थे एनिमल हस्बेंड्री में आपको सारे हर तरीके के पोल्ट्री की बात बात करनी है पोल्ट्री फार्मिंग ब्रीड्स है हम उनमें किस किस की क्रॉसिंग करा सकते हैं और क्या एडवांटेजेस हमें मिलेंगे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिश फार्मिंग फिश फार्मिंग ऑब्वियसली किस पर फोकस कर रही है कि हमें फिश की बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए या फिर जितने भी सी फूड वाले आइटम्स होते हैं जैसे कि प्रॉन्स क्रैब्स लॉबस्टर्स जो खाए जाते हैं उनको उनकी क्वालिटी अच्छी हो उनकी क्वांटिटी अच्छी हो ताकि जितने भी रीजन में वो खाया जाता है वहां पर बहुत अच्छे से सप्लाई किया जा सके ठीक है सो so, फिश फार्मिंग अब फिश का फिश के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिय कौन सा होता है फिश इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं जो मेडिसिन बनती हैं कुछ उनके अंदर फिश लिवर ऑयल डाला जाता है इनके अंदर ओमेगा जो फैटी एसिड्स है ओमेगा बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर नाउ आर पानी से मिलती हैं एंड देयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिश फार्मिंग और वॉटर एग्रीकल्चर यानी कि पिसी कल्चर की ही दो और नाम है फिश फार्मिंग भी बोल सकते हैं और वॉटर एग्रीकल्चर भी इसको बोल सकते हैं नाउ ये जो फिशरी स्टम है दैट इंक्लूड्स ऑल एनिमल रिसोर्सेज फ्रॉम वाटर अब हमारे पास ना दो तरीके के वाटर रिसोर्सेज होते हैं एक रिवर वाटर रिसोर्स हो गया रिवर पॉंड लेक्स या फिर हम फिशेस को लेकर आ रहे हैं दूसरा जो हमारे पास वाटर रिसोर्स है दैट इज ओशियंस ओशन सी समुद्र से सीधा हमने मछलियों को पकड़ा है तो दो तरीके के वाटर रिसोर्सेज हो गए जो समुद्र का पानी होता है वो खारा पानी होता है जिसको हम सॉल्टी वाटर बोलते हैं और जो रिवर और पॉन्ड्स से हमें वाटर मिलता है दैट इज फ्रेश वाटर तो बेसिकली बेटा दो सोर्सेज हो गए जा से हम फिश को ला सकते हैं कौन-कौन से हो गए सॉल्टी uh, वाटर और दूसरा हो गया फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर का सोर्स क्या होगा सीज ओशियंस एंड वहीं पर जो हमारे आसपास रिवर्स और और छोटी-बوٹی वाटर बॉडीज है वहां से हम जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उनको फ्रेश वाटर बोलते हैं अब जो टर्म यहां पर है मरीन फिशरीज यानी कि दूसरी हो गई fresh water. Fresh water, river, lakes and ponds. अब इनके अंदर मिल हमें, क्रस्टेशियंस जैसे कि जैसे कि क्रैब्स लॉबस्टर्स मॉलस्क मॉलस्क क्या होते हैं? ऑक्टोपस इसके अंदर आ जाएगा ऑक्टोपस और भी एग्जांपल्स होते हैं मॉलस के एग्जाम्पल्सिक्वालिटी को इनक्रीज कर सकते हैं और मार्केट में पहुंचा सकते हैं लोगों तक नाउ प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक फिशेज प्रॉन्स क्रैप्स लॉब्सटर्स मॉल बायूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वॉटर रिसोर्सिस एक्वा का मतलब क्या होता है बेटा पानी एक्वा का मतलब क्या होता है पानी जब हम पानी से प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लेकर आ रहे हैं पानी से बहुत टाइप की एल्गी मिलती है हमें ओशंस के अंदर उन एल्गी का यूज किया जाता है मेकअप इंडस्ट्री में जैसे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी मास्क उन मास्क से आ, उन मास्क के अंदर क्या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मेकअप इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे भी तो हम यूज कर रहे हैं फूड के लिए यूज कर रहे हैं ये सारे एनिमल्स खाए जाते हैं है ना सो so, जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करें इनको कल्चर करें इसके लिए हमने एक अलग से टर्म रखी है एक्वा कल्चर उसके बाद रियरिंग ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज ऑन लार्ज स्केल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड पिसी तो अब यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिख रही हैं एक है एक्वा कल्चर दूसरी है पिसी कल्चर पिसी के नाम में ही पाइसिस आ रहा है यानी कि मछलियां तो पिसी कल्चर के अंदर मेजरली हम किसको टारगेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश को उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी को इंप्रूव करेंगे और एक्वा कल्चर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स सब आ रहे हैं जिनको हम कल्चर करेंगे जिनको हम निकालेंगे and उनको, like, जिस तरीके से अभी आप पढ़ोगे आगे जाकर कि किस तरीके से को, आ, फिश करते हैं फिशिंग करते हैं कैप्चर करते हैं फिर मार्केट में भेजते है आपने टीवी पर देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स पर देखा होगा कि किस तरीके से नेट का इस्तेमाल करके इन एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है और फिर मार्केट तक पहुंचाया जाता है अब जरूरी नहीं है कि हम सेम टाइम पर उन सारी फिशेज को मार्केट में पहुंचा दें इनके स्टोरेज का भी ध्यान रखा रखना चाहिए बेसिकली या रखा जाएगा हम हम इनको इनको पता है कैसे स्टोर करते है? वी टेक अ लॉट ऑफ आइस फ्रीजर्स में स्टोर करते हैं ऐसा एक बहुत बड़ा फ्रीजर बनाया जाता है जिसमें हम एनिमल्स को जितने भी एक्वाकल्चर वाले एनिमल्स हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रख सके और फिर मार्केट में पहुंचा सके ताकि अच्छी अच्छी डिशेस बन सके इनकी कर सकते हैं जैसे हम तो अभी मान लो हम नॉर्थ साइड रहते हैं तो हमें सबसे पहले तो एक कोस्टल एरिया देखना होगा जहां पर आस पास बड़ी बड़ी वॉटर बॉडीज हो है ना देन सबसे पहले हम कर सकते हैं कैप्चर फिशिंग कैप्चर फिशिंग का मतलब क्या होता है कि आप गए अपना नेट उठाकर और नेट में आपके हाथ में जितनी मछलियां लगी जितने क्रैप लॉबस्टर्स लगे आप ले आए दैट इज नोन एज कैप्चर फिशिंग ठीक है जैसे फिशरमैन करते हैं फिशरमैन क्या करते हैं अपना नेट लेकर जाते हैं उनको पता होता है किस टाइम पर उनको जाना है लो टाइड्स के टाइम पर जब जो लहरें होती है वो काफी स्लो होती है उस टाइम पर वो जाते हैं अपनी बोट लेकर एंड बहुत सारी मछलियों को कैप्चर करके आते हैं दूसरा तरीका है कल्चर फिशिंग कल्चर फिशिंग क्या होता है ये बेसिकली इनलैंड वाटर के अंदर किया जाता है पॉन्स uh, में लेक्स में मरीन फिशेस इसमें क्या होता है बेसिकली बेटा जैसे मान लो ये एक बड़ा सा समुद्र है इतना आप देख पा रहे हो मान लो ठीक है तो आप क्या करते हो डिटेक्ट करते हो कि कहां पर इन मछलियों का ग्रुप जो है वो ज्यादा है स्कूल बोलते हैं हम उसको सो यहाँ मान लो एक ग्रुप ज्यादा है यहाँ पर पता चल गया हमें बहुत सारी मछलियां हैं तो जो लोग चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर है वो इस एरिया को अपने अंदर ले, ले लेंगे इस एरिया को अपने अंदर ले लेंगे यहाँ पर बहुत सारा खाना पहुंचाएंगे यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कितनी मछलियां हैं कौन सी टाइप की मछलियां हैं फिर जब वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगी बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाएंगी हमें पता चल जाएगा हेल्दी मछलियां हैं फिर हम इनको यहाँ से कैप्चर कर लेंगे और मार्केट में पहुंचा सकते हैं तो जिस तरीके से हम कैटल्स का बर्ड्स का ध्यान रख रहे थे ना सेम तरीके से अब फिश को तो हम अपने घर में लाकर नहीं रख सकते उनको तो लाज उनका वही पानी का सोर्स चाहिए तो हम कल्चर फिशिंग कर सकते हैं कि जिस भी एरिया वो, में वो है उस एरिया को हम कवर कर ले ले प्रोटेक्ट कर ले और वहां पर उनका ध्यान रखें नाउ सो लेर आर टू वे फर्स्ट इज कैप्चर फिशिंग और दूसरी हो गई कल्चर फिशिंग कल्चर फिशिंग को फिश फार्मिंग भी बोला जाता है कल्चर फिशिंग का दूसरा नाम क्या है बेटा फिश फार्मिंग अब हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज फ्रेश वाटर बॉडी समझ गए ना जो कि साफ पानी होता है खारा पानी होता है समुद्र वाला और दूसरा रिवर्स वगैरह में जो हमें मिलता है दैट इज फ्रेश वाटर अब जो फ्रेश वाटर वाली फिशेस है वो कौन कौन सी हैं वेगो मिस्टिस एंड मिस्टिस ये आपको फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर बॉडीज वाली फिश के एग्जाम्पल्स बताए मैंने उसके बाद हमारे इंडिया की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है कैटला रोहू, मृगल कैटला रोहू एंड मृगल वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये हमारी इंडिया की फिशेस है बेटा फ्रेश वॉटर बॉडीज वाली एक्सॉटिक वेराइटीज यानी कि दूसरी कंट्रीज वाली सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प दीज आर एक्सॉटिक वेराइटी ठीक है उसके बाद कैटला इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्ड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एक कैटला जो आपकी हमारी इंडिया वाली जो मछली है ये बहुत जल्दी ग्रो करती है और मार्केट में भी बहुत ज्यादा मिलती है मार्केट में भी बहुत ज्यादा मिलती है तो इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा रही है बेसिकली तो इंडिया की कौन सी तीन मेजर मछली हो गई कैटला रोहू और मृगल और एग्जॉटिक वेराइटीज कौन कौन सी हैं सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प हो जाएगा याद नेक्स्ट मरीन फिशरीज जैसे कि मैंने आपको बताया मरीन फिशरीज किस में करते हैं बेटा मरीन फिशरीज इज डन फॉर सीज एंड ओशन ठीक है अब देखो पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज आर ट्यूना मैक्रीन एंड बॉम्बे डक अब ये आपको किसके एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं जो मछलियां आपको समुद्र में मिलेंगी ओशंस में मिलेंगी जैसे कि कैटला रोहू ये आपको कहाँ मिलती है कैटला रोहू और मृगल ये तीन बहने हैं ऐसे याद कर लो ये हमारे इंडिया में ही मिलेंगे बट फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलेंगी वहीं पर जब हम समुद्र में पीसी कल्चर करने जाएंगे वहां पर आपको कौन सी मेन फिश वेराइटीज मिल सकती हैं ट्यूना फिश के बारे में आपने सुना होगा ट्यूना फिश के सीड्स आते हैं अगर आप मिस्टर बीन देखते हो तो उसमें भी एक एपिसोड था उसमें बेसिकली फिश के एग्स एक डब्बे के अंदर उसके बाहर लिखा हुआ था ट्यूना एग्स तो वो ब्रांड नहीं है बेटा वो मछली का नाम है बेसिकली सो पॉम्फ्रे यील्ड आर इंक्रीज लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश जैसे मैंने अभी बताया कि हम कैसे कल्चर कर सकते हैं हम पहले लोकेट करेंगे कि कौन सी जगह पर ये मछलियां ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट जब इनका एक कलेक्टिव ग्रुप दिखता है ना उसको हम स्कूल बोलते हैं तो एक तो तुम जा रहे हो स्कूल एक इन मछलियों का भी स्कूल है जहां पर ये लार्ज अमाउंट में हमें दिखेंगी नाउ हाउ डू वी डिटेक्ट इट अब आप खुद तो जा नहीं सकते आप कैसे लोकेट करोगे यहाँ मछलियां ज्यादा है वहां मछलियां ज्यादा है सैटेलाइट की हेल्प से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड मेथड इज इको इको साउंडर्स इसको इको साउंडर्स बोलते हैं देखो इसमें क्या होगा जैसे कि यहां पर ये वाटर बॉडी है ठीक है अब कोई भी कोई भी शिप मान लो जा रही है ठीक है अब ये नीचे से साउंड वेव्स भेजते हैं ये जो एक, इसके नीचे क्या लगा हुआ होगा इको साउंडर्स लगे हुए होंगे यहां से बेसिकली साउंड जाएगी इधर

झुंड प्रेजेंट है बेसिकली जो लोगों को भी पसंद है, में है, वो हम कल्चर कर सकते हैं सी वॉटर के अंदर जैसे किस फिंड क्या होते हैं जिनके फिंस होते हैं मछलियों के पास फिंस होते है ना तो जो बहुत सारी फिंस वाली मछलियां होती है उनको फिंड फिशेस बोलते हैं

जल्दी से एक रिकैप ले ले यहां से स्टार्ट करते हैं हमने स्टार्ट करा था पिसी कल्चर के बारे में दो टर्म्स पढ़ी थी आपने एक्वा कल्चर का मतलब होता है जिसमें हर तरीके की जो जो पानी पानी की बॉडी भी आप पानी से प्लांट्स एनिमल्स ले रहे हो वो सब कुछ एक्वा कल्चर के अंदर आ जाएगा फिर जब हम मछलियों की बात करते हैं पर्टिकुलरली दैट कम्स अंडर द पिसिकल्चर ठीक है अब पिसी कल्चर में अलग अलग वाटर बॉडीज हमारे पास थी ओशन से जब हम ला रहे थे उसको हम बोल रहे थे मरीकल्चर अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आप मछलियों को ला सकते हो कैप्चर फिशिंग आपने जाल बिछाया और वहां से आप लेकर आ गए कल्चर फिशिंग आप पहले उनकी केयर कर रहे हो उसके बाद आप उनको कैप्चर कर रहे हो अब फिर कुछ एग्जांपल्स आ गए थे जो कि फ्रेश वाटर वाले हैं फ्रेश वाटर वाली मछलियां कौन कौन सी होती है कैटला रोहू और मृगल ये मेन आपको याद करनी है बेटा एग्जॉटिक वेराइटी कौन सी है सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प उसके बाद मरी कल्चर वाली फिशेस कौन कौन सी हैं एंड बॉम्बे डक फिर लिखा हुआ है हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली, वाली भी कुछ मछलियां हैं जैसे कि मुलिट्स स्पॉट एंड कुछ प्रॉन्स भी हैं कुछ मूसल्स भी हैं ऑइस्टर्स भी है सीवीड भी है और आ, मरीन फिश कल्चर को क्या बोलते हैं कल्चर बोलते हैं नाउ इनलैंड फिशरीज इनलैंड फिशरीज यानी कि फ्रेश वॉटर में करने जाने वाली अभी आपने हमारी कल्चर पढ़ा इनलैंड फिशरीज यानी कि फ्रेश वॉटर वाली इसके एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे मृगल रोहू एंड कार्प ठीक है अब देखो फ्रेश वॉटर रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा कैनाल्स में पॉन्स में रिजर्वायर्स रिवर्स यहां पर ये मिलेगी अब एक बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो ये कैटला फिश होती है ना कैटला फिश ये सरफेस पर रहना पसंद करती है यानी कि पानी के ऊपर ऊपर आपको कैटला मछली मिल जाएगी इंडिया की है ना ये देन रोहू मिडल जोन में मिल जाती है रोहू कहाँ मिल जाती है मिडल जोन में और मृगल और कॉमन कार्प आपको बॉटम फीडर्स के नाम पर मिलेगी बॉटम फीडर्स यानी कि नीचे नीचे मिलेंगी ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है देखो बेटा अभी हमें करेंगे अभी हमें करना है एक टॉपिक दैट इज कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर अब ये कंपोजिट फिश कल्चर क्या है कि हमने अपने रिसोर्सेज में हमने अपने एरियाज बनाए वहां पर टैंक्स बनाए बड़े बड़े उसमें हमने एक एनवायरमेंट क्रिएट किया बिल्कुल पानी जैसा वाटर बॉडीज जैसा यानी कि हमने नेचुरल प्लांट्स लगाए हैं नीचे पूरी मिट्टी डाली है उसके अंदर पेबल्स डाले जैसा बिल्कुल सी या रिवर का एनवायरमेंट होता है वैसा एनवायरमेंट हमने क्रिएट किया तो मान लो ये एक बड़ा सा टैंक है जो हमने बनाया है ठीक है अब इसमें हमें बहुत सारी मछलियां डालनी है अब आप कौन सी मछली इसके अंदर लाओगे आपको बहुत ध्यान से मछलियों को चूज करना होगा क्योंकि अगर आप एक बड़ी मछली ले आए जो कि कैटला से बड़ी है ये कैटला है ठीक है और ये एक बड़ी मछली है ये बड़ी डेंजरस मछली है तो ये तो इस मछली को खा जाएगी अगर ये सरफेस पे रहेगी तो अगर खाएगी भी नहीं तो बेटा रहेगी तो ऊपर वाले सरफेस पर इन दोनों के इन दोनों के लिए इन दोनों में कंपटीशन होगा सरफेस के लिए खाने के लिए तो इस तरीके से आप कंपोजिट फिश कल्चर नहीं चला सकते हो आपको क्या करना होगा तीन अलग-अलग टाइप अलग की लानी होंगी, जैसे कि आप ले आओ कैटला जो कि सरफेस पर रहती है फिर आप ले आओ रोहू जो कि मिडल जोन में रहती है फिर आप ले आओ मृग एंड कॉमन कार्प जो आपको बॉटम वाले सरफेस पर मिल जाएगी या आपके टैंक के बॉटम सरफेस पर रहेगी इससे क्या होगा टू अवॉइड कॉम्पिटिशन किसके बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए फॉर फूड शेल्टर स्पेस इसके बीच में इनका कंपटीशन नहीं होना चाहिए तो कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है वेन वी कल्चर वेन वी डू फिश फार्मिंग यूजिंग डिफरेंट फिशेज बट बेस्ड ऑन देर डिफरेंट फीडिंग हैबिट दे आर डिफरेंट सर्वाइविंग जोन जैसे कैटला जो है वो सरफेस पे आती है सरफेस फीडर है देन रोहू इज मिडल जोन वाली फीडर एंड मिगल इज बॉटम वाली फीडर. समझ आया इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर ये हम खुद क्रिएट कर सकते हैं खुद मछलियों को ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से अब हम इनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे इनकी फूड का इनकी हैबिट्स का इनको कोई डिसीज तो नहीं लग रहा इनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे डन नेक्स्ट इज योर एपीकल्चर एपीकल्चर क्या होता है जैसे पिसी कल्चर था ऐसे ही एपीकल्चर है पिसी वर्ड पाइसिस से आया था एपीकल्चर epi एपिस से आया है जिसका मतलब होता है बी हनी बी मधुमक्खी इट इज ऑल्सो नोन एज बी कीपिंग की वाला कलर लेते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज बी कीपिंग अब इसकी डेफिनेशन देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बीज इन द आर्टिफिशियल कॉल्ड एपियरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एट कमर्शियल लेवल

ठीक है अब उसको और अपना एक बिजनेस बढ़ाना है उसने स्टार्ट कर दिया एप्रीकल्चर अब एप्रीकल्चर के लिए बेटा वो ऐसे शेल्टर क्रिएट नहीं करेगा एप्रीकल्चर के लिए सबसे पहले वो देखेगा कि किस जगह पर वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट कर सकता है सबसे पहले तो वो बनाएगा मधुमक्खियों का एक आर्टिफिशियल घर अब वैसे नेचुरल जो मधुमक्खियां रहती है वो कहा रहती है पेड़ पर रहती है पुराने घरों में अपना एक हनी बना लेती है ना बीहाइफ बोलते हैं जिसको हम अब हम बनाएंगे आर्टिफिशियल बी हाइव, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल बी हाइव इसको क्या बोलते हैं एपियरी आर्टिफिशियल बी हाइव इज नोन एज ए ये हम बनाएंगे घर इन मधुमक्खियों के लिए और उनको लगेगा कि उनका खुद का ही घर है वहां पर आकर ये रहने लग जाएंगे और हमें बहुत सारा हनी दे देंगी यही एपीकल्चर का पर्पज होता है एम होता है तो एपीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हनी बीज को ग्रो करें आर्टिफिशियल कंडीशन में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एट कमर्शियल लेवल नीस ग्रेट इम्पॉर्टेंस अब हम क्यों हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हनी के अंदर बहुत सारी गुड प्रॉपर्टीज होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, है हम इसको मेडिसिन में क्योर करने के लिए और एज ए स्वीटनर भी यूज करते हैं है ना कुकिंग में हम यूज करते हैं या फिर हम बहुत सारी डिशेज बनाने के लिए यूज करते हैं सो हनी हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू

अब हम हनी का प्रोडक्शन करेंगे एप्रीकल्चर की हेल्प से अब हम बात करते हैं हमारी ब्रीड्स की तो की, हमारी इंडिया की कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है देखो एपिस इंडिका एपिस सेरेना इंडिका इसके नाम में ही बेटा इंडिया आ रहा है तो आप इसे याद कर सकते हो तो अपनी इंडिया की है एपिस डोरसटा एपिस फ्लोरी एपिस फ्लोरी ऐसे याद कर सकते हो हमारे इंडिया में बहुत सारे फ्लावर्स है ना तो फ्लावर्स को क्या बोलते हैं फ्लोरा तो एपिस फ्लोरी ये भी हमारे इंडिया की है एपिस डोरसटा एपिस सेरेना इंडिका इंडियन बी रॉक बी लिटिल बी ये सारी की सारी हमारी इंडियन बीज है उसके बाद है एक्सोटिक कि दूसरी कंट्रीज वाली जैसे कि हमें इटली में कौन सी मिलती है एपिस मेलीफेरा एपिस मेलीफेरा जो हनी बी है वो आपको इटली में मिलेगी एपिस एडेन ये आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगी सो तो दीज आर एक्सोटिक ब्रीड्स ट इज द मीनिंग ऑफ हनी बी एंड सोशल स्कूल कॉलोनाइजेशन एक जो हनी होता है उसमें चालीस हजार से एक लाख तक हमें हनी बीज मिल सकती है इतनी हनी बीज उसमें रहती है तुम्हें दिखती भी होंगी तुम काउंट नहीं कर पाते होंगे बट तो बहुत सारी हनी बीज दिखती है ना तो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली फोर फोर्टी थाउजेंड से वन लाख अब ये इकलौती ऐसी इंसेक्ट है बेटा जो कि पॉलीमॉर्फिक है पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है इसके अंदर आपको तीन अलग अलग कास्ट देखने को मिलेंगी आपने सुनी भी होगी कहानी कि तीन तरीके की मधुमक्खी होती है एक होती है रानी जिसको हम बोलते हैं क्वीन एक हनी कॉम के अंदर एक ही रानी होती है उसके बाद कुछ होते हैं वर्कर्स वर्कर्स नाम भी पता चल रहा है बहुत काम करते हैं ये तो जो बाहर, जाते बाहर का सारा काम करते हैं नेक्टर कलेक्ट करना है हनी कॉम बनाना है क्वीन की सेवा करनी है हनी कॉम की सफाई करनी है ये सारा काम करते हैं वर्कर्स उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है विच आर ड्रॉन्स तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है बेटा ड्रॉन अब ये ड्रॉन जो है वो मेल्स होते हैं और ये फीमेल के साथ फर्टिलाइज करते हैं देखो कौन कौन सी तीन मैंने आपको बताई ये 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 है क्वीन, ये है वर्कर और ये है क्वीन क्वीन वर्कर वर्कर और ड्रोन ड्रोन अब आपको दिखने में क्वीन काफी बड़ी सी दिख रही है वर्कर आपको छोटा सा दिख रहा है और ड्रोन आपको मीडियम साइज का दिख रहा है ड्रोन की आईज से आप पता लगा सकते हो कि ये ड्रोन है उसकी आईज जो है बिल्कुल हेड के ऊपर होती है यहां देखो अब जो क्वीन और वर्कर्स है ना ये दोनों फीमेल है और जो मेल है वो ड्रोन है तीन जो कास्ट है वर्कर तो का, का काम है बहुत सारे काम करना बाहर की जैसे अभी मैंने बताया ड्रोन का काम है क्वीन के साथ फर्टिलाइज करना ठीक है अब देखो अब जो क्वीन है वो एक टाइम में 1500 से 2000 हजार एग्स ले कर सकती है 1500 से 2000 हजार एग्स एक बारी में एक क्वीन ले कर सकती है एंड क्वीन इज फर्टाइल फीमेल ले करती है तो ऑब्वियसली फर्टाइल है है ना अब जो एग्स बने हैं ना उसमें दो के एग्स बने हैं। एक होते हैं जो कि फर्टिलाइज एग्स है और एक होते हैं अनफर्टिलाइज एग्स अब इसका मतलब क्या है जैसे मान लो एग्स, है, एग्स प्रेजेंट हैं बहुत सारे के 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 अंदर, ठीक है? अब जिन एग्स के साथ स्पर्म कर जाएगा, उनको हम बोलेंगे एग्स। और ये जो बाद बनेंगे ड्रॉन्स क्या बनाएंगे ड्रॉन्स बनाएंगे ये रहा ड्रोन तो बेसिकली ड्रॉन्स आर प्रोड्यूसलाइज एग्स और कुछ एग्स हैं जो कि फर्टिलाइज नहीं हुए and उसके बाद भी उनका डेवलपमेंट हो गया ये क्या बनाते हैं बेटा? वर्कर्स। ये क्या बनाते ये मैं क्यों बता रही हैं। क्वीन जो देगी। कुछ एग्स के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ड्रॉन्स बन गए जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो एग्स मर नहीं गए उन एग्स से भी प्रोडक्शन हुआ किसका वर्कर्स का तभी इतनी सारी आपको आ, वेराइटी और इतने सारे आपको लार्ज अमाउंट में हनी बीज़ देखने को मिलती है एक ही हनीकॉम्ब के अंदर ठीक है अब वर्कर्स का काम क्या होता है ये बहुत सारे ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत अलग-अलग जॉब्स करते हैं जैसे कि क्वीन का ध्यान रखना सफाई करना नया हनीकॉम्ब बनाना वैक्स बनाना अगर कहीं से हनीकॉम्ब खराब हो गया है टूट गया है तो उसको रिपेयर करना एंड बचाना मतलब हनीकॉम कॉम की प्रोटेक्शन सोल्जर्स का काम भी जो है वो इन्हीं का ही है सो द वर्कर्स हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स अब इसी को देखते हुए इनके पास बड़े विंग्स होते हैं क्योंकि इनको उड़कर बार बार जाना होता है और बाहर के सारे काम करने होते हैं लॉन्ग माउथ पार्ट ग्लांस क्योंकि ये वैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं वैक्स क्या करेगा हनीकॉम के पार्ट को जोड़ने में हेल्प करेगा देन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिन कलेक्शन ऑल्सो यही क्या करते हैं नेक्टर कलेक्ट करके लाते हैं हनी कॉम के अंदर घर में वापस नेक्टर कलेक्ट करके आएंगे ना नेक्टर कलेक्ट करेंगे तभी तो हनी भी बनेगा चल आगे देखो ड्रोंस दीज आर मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी बीच का साइज होता है इनका अब इनका मेन फंक्शन क्या है क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन का मेन फंक्शन इनका होता है ठीक है बेटा एंड क्वीन यू ऑलरेडी नो क्वीन तो लार्ज नंबर ऑफ एग्स देती है एक या दो होती है एक हनी कॉम के अंदर नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रीकल्चर एप्रीकल्चर करेंगे तो क्या फायदा होगा हनी प्रोडक्शन के लिए करते ठीक है प्रोडक्ट्स ऑफ हनी हनी बी बी इंक्लूड वैक्स वेनम एंड रॉयल जेली रॉयल जेली कौन बनाता है क्वीन बनाती है सो दीज आर सम ऑफ द जो हमें मिल सकते हैं एप्रीकल्चर करने के बाद अब जो हनी है उसके फायदे तो हमने देख ही लिए हनी के अंदर लेव्यूलोस शुगर शुगर माल्टो शुगर और काफी सारे एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है बीज वैक्स किस में 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 यूज की जाती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पेंट्स ऑइंटमेंट्स पॉलिशेस बी वेनम का क्या फायदा है ये काफी सारे डिसीजे को क्योर करता है जैसे कि गोट एंड आर्थराइटिस ये बीमारियों को ठीक करने में बी वेनम का इस्तेमाल किया जाता है रॉयल जेली का क्या फायदा है ये बेटा हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है एंड ग्रोइंग चिल्ड्रेन को दिया जाता है इसमें भी काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है सो बिकॉज ऑफ ऑल और इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं एप्रीकल्चर करते अब देखो, कर लिया। तो वो आसपास सबसे पहले देखेगा बी फॉरेज और पेस्टुरज को ये क्या होता है ये मान लो ये मान लो गार्डन है आस पास गार्डन है आसपास बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए तो कोई भी हनी भी इसी एरिया को देखकर अट्रैक्ट होगी ना बेटा अगर हनी भी अट्रैक्ट होगी तो इसी एरिया को देखकर होगी जहां पर बहुत सुंदर फ्लावर्स हो ताकि वो यहाँ पर पहले तो अट्रैक्ट हो और फिर इनसे नेक्टर ऑप्टेन कर सके जितनी अच्छी क्वालिटी का नेक्टर होगा उतना इनको फायदा होगा समझे सो so, ज का मतलब क्या होता है वो गार्डन या फिर वो ग्रेजिंग जहां पर लार्ज नंबर में वेजिटेशन है इस तरीके से फ्लावर्स है ग्रास है सारी चीजें यहाँ पर है फ्लोरा प्रेजेंट है बहुत अच्छा द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लारिंग फ्लोरा शुड बी इन द ऑफ एपियरी जैसे जहां पर भी डुगु ने एक एपियरी सेट किया है एपियरी का मतलब आर्टिफिशियल बीह तो जहां पर भी उसको सेट किया गया है उसके एक या दो किलोमीटर के अंदर एरिया में ही आपके पास एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसको हम पैस बोलते हैं जहां से आ, नेक्टर कलेक्शन हो सकेगा हनी बीज जाएंगी आसपास एक दो किलोमीटर देखेंगे कहाँ बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं वहां से नेक्टर लेकर आएंगी और आपके बनाए हुए बीहाइ के अंदर वापिस आएंगी अगर आसपास पास नहीं होगा तो क्या होगा बेटा आपका वो जो सेटअप है वो फेल है क्योंकि हनी भी उड़कर आपके घर में वापस ही नहीं आएगी वो वहां से कहीं और चली जाएगी ठीक है सो इट शुड बी इन दिसिनिटी ऑफ द एपियरी टू फैसिलिटेट नेक्टर एंड पोल कलेक्शन Now we are going to do some questions. ये आपका last topic था एपीकल्चर आप कुछ important questions करने हैं बेटा देखो आप लोग पहले आंसर करने की कोशिश करना उसके बाद मेरा answer सुनना

लंबी लंबी स्टेम हो और ज्यादा ब्रांचेस हो तभी वो फूड के लिए यूज की जा सकती है फॉर एनिमल्स राइट सो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट न्यूट्रिय सप्लाइड बाय ग्रीन मैन्योर आर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ग्रीन मैन्योर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रीन मैन्योर आपको याद है कि एक फील्ड है उसके अंदर हम कोई और पहले क्रॉप ग्रो करते हैं फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देती है ताकि ये फिर से मल्च हो जाए सॉइल के अंदर और सारा न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर वापस आ जाए नाउ योर सॉइल इज रेडी अब आप मेन क्रॉप को ग्रो कर सकते हो सो न्यूट्रिय सप्लाइड बाई ग्रीन मैन विल बी रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है बट ऑप्शन है, तो है, है तो नाइट्रोजन जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से मिल जाता है लेग्युमिनस प्लांट्स याद है लेग्यूमिनस प्लांट्स आर पल्सेस वाले प्लांट्स इनकी रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं जहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एनओ टू और एनो थ्री में कन्वर्ट कर देता है और इसी फॉर्म में तो रेडी कर रहा है अब जहां ये इनकी roots, जिस के अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन भर भर के होगा ना ग्रीन मैन्योर के अंदर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नेक्स्ट क्वेश्चन

बेटा कंपोस्ट जो हम बनाते हैं उसके अंदर वैसे ही बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते बट न्यूट्रिएंट्स भी होते सो कंपोस्ट इज यूज इन वेरी लिटिल क्वांटिटी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग लार्ज अमाउंट में खाद डाली जाती है कंपोस्ट डाला जाता है उसने बोला इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट निकाल लिए तो आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें किसकी प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा था इंक्रीज हुई थी फूड ग्रेन हनी या फिर एग्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फूड ग्रेन तभी इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन रखा गया द राइस और मेस से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फैट्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट या विटामिन बी ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट गोट इट नेक्स्ट क्वेश्चन पल्सेस सच एज ग्राम ग्रीन ग्राम पिजिन पी एंड लेंचल आर इच सोर्स ऑफ विच ऑफ दल्स क्या मिलता है लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं मिलेंगे प्रोटीन

अ क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा चेंज हो रही है वहां पर भी सरवाइव कर पाए और उसके साथ-साथ इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस चेंज इट्स कलर चेंज इट्स ऑर्डर टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल ये तीनों पॉइंट्स आपको अब्सॉर्ब लग रहे हैं ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पर स्ट्रेस हमारे मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है बेटा क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ही इनको ग्रो करने में स्ट्रेस होता है

एग एंड फेदर प्रोडक्शन पड़ा ही नहीं कुछ भी एग एंड चुन मीट इसीलिए हम यूज करते हैं राइट नेक्स्ट विच ऑफ दॉट अ क्रॉपिंग पैटर्न यूजफुल इन इनक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन क्रॉपिंग पैटर्न याद है, या है right? Next, in आपको तीन तरीके के थे मिक्सड क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग एंड लास्ट was क्रॉप रोटेशन तो कौन सा है जो कि इनमें से क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है cropping तो है यहां, देखो तीनों लिखे हुए हैं। इटालियन बी वेराइटी इनमें से कौन सी है जो कि इटली की वेराइटी है सो राइट आंसर इज एपिस ये तीनों हमारी इंडिया की है इंडिजेनस है एपिस बेला फेरा इज फ्रॉम इटली देन वन मोर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंपोजिट फिश कल्चर जो हम कंपोजिट फिश कल्चर कर रहे थे उसमें कैसा कॉम्बिनेशन हमें लेना चाहिए सरफेस फीडर और बॉटम फीडर्स लेने चाहिए मिडिल जोन और बॉटम फीडर्स लेने चाहिए सरफेस फीडर्स ही लेने चाहिए या फिर सरफेस मिडल एंड बॉटम फीडर्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी कैटला रोहू और मृगल है ना इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं जो कि अलग अलग जोन पर रहेंगे पानी के अंदर Which वन ऑफ द फॉलोइंग contain macronutrients ओनली What आर macronutrients? लार्ज क्वांटिटी वाले लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिय होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिय बोलते हैं अब इनमें से कौन से हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिय हैं कैल्शियम सल्फर जिंक कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कॉपर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन आयरन एंड क्लोरी राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये तीनों के तीनों लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय जो वीड्स है वीड्स क्या थे अनवांटेड प्लांट्स एग्जाम्पलमियम बेटा एग्जाम्पल्स है जो कि वीड्स के है आप इनको याद कर सकते हो अब वीड्स कैसे क्रॉप प्लांट्स को इफेक्ट करता है किलिंग प्लांट्स इन फील्ड बिफोर द ग्रो डॉमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो

फॉलोइंग आर इंडियन कैटल इनमें से कौन सी है जो कि इंडियन कैटल है देखो ये आप एक बार देख लो राइट आंसर इज ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री बॉस इंडिकस ये हमारी इंडिया की काउ के लिए बोला जाता है उसका साइंटिफिक नेम है बेटा एंड बॉस बोबेलिस दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर बफेलो हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो इनकी ब्रीड्स के पढ़े हैं अलग अलग ब्रीड्स देखी थी ना आपने रेड सिंधी साहिवाल सूरती वो सब जो देखा था वो इनकी ब्रीड्स थी बॉस बॉस इज द साइंटिफिक नेम फॉर दीज टू जो कि हमारे इंडिया की ब्रीड है ठीक है इंडिया की स्पीशीज है बेसिकली सो ऑप्शन वन एंड थ्री इज राइट यानी कि ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंस कंसर्न विद वेजिटेबल कल्चर जब हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं ना उसके लिए कौन सी टर्म आती है बेटा ओलेक्ल्चर क्या बोलेंगे कल्चर। जब हम सिर्फ़ वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं। from, जो हम का बना रहे थे, वो किससे मिलता है फार्मार्ड मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर फार्म रिफ्यूज एंड हाउस होल्ड रिफ्यूज ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स

ये आपको वन शॉट मिला था आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके अब मैं आपको मिलूंगी बाकी चैप्टर्स के साथ जो आपके मेन चैप्टर्स थे वो हो चुके हैं इसके बाद और भी जो चैप्टर्स है वो भी आपको कराए जाएंगे तो मैं मिलूंगी आपको जल्दी नए चैप्टर के साथ टिल्फ बाय बायरी वन